गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी अपने कोरोना वायरस के कारण, COVID-19 के कारण जो अभी अपने परीक्षा आ रहे हैं वो नहीं बाकी रह गई थी, एक 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान की, तो उसके तहत अभी अपने जो ए ग्रेड स्टडी के द्वारा अपने एक क्रैश कोर्स के रूप में 10th क्लास का पूरा सिलेबस है जो करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सारी बातें तो लगभग जानने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं जान पाएंगे, लेकिन मुख्य मुख्य जो बातें हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो उन बातों को अपन गौर से देखेंगे। तो अभी आज शुरुआत करते हैं जो अपने सामाजिक विज्ञान का जो 4-5 पार्ट है, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, तो हिस्ट्री यानी इतिहास वाला जो पार्ट है आज उससे अपन शुरुआत करते हैं। आपकी जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का जो पहला पार्ट है जिसका नाम है स्वर्णिम भारत और प्रारंभ से 1206 तक, सीधा अपन स्टडी पे आते हैं समय की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए। स्वर्णिम भारत अर्थात ऐसे भारत जिसमें भारत के जो महत्वपूर्ण राजवंश हुए हैं और उन राजवंशों के समय भारत का मान सम्मान में बढ़ोतरी हुई है, विश्व के क्षेत्र में उन भारत का मान सम्मान बढ़ा है, उनके बारे में इस पाठ के अंदर विस्तृत पढ़ेंगे। और वहाँ से लेकर 1206 तक का काल है, जो 1206 में सल्तनत काल की शुरुआत होती है उस काल तक की अपनी सारी जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। तो जिसमें अपने तुम्हारे जो 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 पॉइंटों के आधार पर पूरा पाठ बांटा गया है, जिसमें पहला है महाजनपद काल। महाजनपद काल की शुरुआत है अपने तुम्हारे यहाँ पर प्राचीन काल में हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो वगैरह बोलने दिए हैं, और जो अपने सीधा 6 शताब्दी महाजनपद काल की शुरुआत होती है 6 शताब्दी के अंदर इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो 6 शताब्दी के आसपास का जो कार्यकाल है वो सारा पढ़ेंगे, जहाँ पर जैन और बौद्ध धर्म का उदय होता है उसी के पैरेलल में महाजनपद काल का शुरुआत होती है। तो इनके बारे में इसमें अपन अभी पहले मैं बता देता हूँ, फिर अपने किताब के माध्यम से एक एक पॉइंट को लेकर भी चलेंगे। तो महाजनपद काल और महाजनपद में कौन कौन सी महाजनपदें थी, उनका कैसे कैसे विकास हुआ वो सारा इसमें आ जाएगा। फिर तुम्हारा दूसरा पॉइंट दे रखा है राजस्थान के प्रमुख जनपद, यानी पूरा महाजनपदें होती थी, एक महाजनपद है बहुत सारी जनपदों से मिलकर बनी हुई थी होती थी। तो ऐसे कि ऐसे राजस्थान में कुछ महाजनपदें थी जो मुख्य रूप से मरु, जांगल, मत्स्य, शूरसेन और शिवी कौन कौन से क्षेत्र में, वो जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। फिर अगला पॉइंट है इसमें जो राजवंश, भारत के प्रमुख प्रमुख राजवंश है, जैसे मौर्य राजवंश की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पूरे भारत का एकीकरण किया गया, तो वो है सुंग, इसके बाद में आते हैं फिर सातवन राजवंश जो दक्षिण भारत में, फिर गुप्त राजवंश जो अपने 2-3 शताब्दी में पूरे भारत का महत्वपूर्ण राजवंश होता है, फिर आता है वर्धन वंश जिसके प्रतापी राजा हर्षवर्धन होते हैं, फिर दक्षिण भारत के अंदर चोल राजवंश, उसी के पैरल में अपने गुजरात और इस हिस्से में चालुक्य राजवंश, फिर दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश, बंगाल के क्षेत्र में पाल राजवंश, राजस्थान के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार राजवंश और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार। ये सारे राजवंश हैं, इनके मुख्य मुख्य बातें हैं, जिसमें अभी सबसे महत्वपूर्ण है एक तो मौर्य राजवंश महत्वपूर्ण है, इसमें गुप्त राजवंश महत्वपूर्ण है और हर्षवर्धन का काल है। जैसे दक्षिणी बात करें तो सोल राजवंश वगैरह है जो बहुत महत्वपूर्ण राजवंश थे। तो जैसे मौर्य काल में कौन कौन से प्रमुख राजा हुए हैं और उनके जो समय कौन कौन से प्रशासनिक विभाग वगैरह थे वो सारा इसमें आ जाएगा। गुप्त राजवंश में कौन शक्तिशाली राजा हुए, जैसे अपन बात करें समुद्रगुप्त की वगैरह, तो उन्होंने किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, उनके समय की कोई विशेष बात है तो वो सारी अपन इसमें मौखिक रूप से प्राप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये हो जाएगा। फिर इस पार्ट के अंदर भी अपने चौथा टॉपिक है जिसमें बाह्य आक्रमण और आत्मसाधिकरण। बाह्य आक्रमण मतलब अपन बात करें भारत की, तो भारत के बाहर से जो आक्रमण हुए हैं वो किस क्षेत्र से हुए हैं और कहाँ कहाँ पर वहाँ पर मतलब बाहर से आक्रमण क्यों हुए वो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो आक्रमण करने वाले थे कौन थे, हूण थे, शक थे और कुषाण थे, इन राजवंशों ने यहाँ पर कहाँ कहाँ शासन किया, और फिर भारत की जो प्रवृत्ति है, भारत की जो विशेषता है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको अपने साथ में समाहित कर देते, जैसे बात करते हैं कि नदी है तो नदी का पानी है समुद्र में जाकर क्या हो जाता है, मीठा नदी का पानी होता है और समुद्र में जाकर पूरा खारा होगा, समुद्र जैसा ही हो जाता है। तो ऐसे कैसे भारत यहाँ पर समुद्र जैसा खारा नहीं है, लेकिन भारत है जो इतना विशाल और इतना मतलब सुपरिष्कृत संस्कार वाला देश है कि इसमें बाहर से आने वाली जातियाँ भी भारत में आकर क्या हो गई, भारतीयों जैसी बन के रह गई, भारतीयों में समाहित होगी। आज अपन हूणों को निकालना चाहे भारत से बाहर तो अपन को पता नहीं होगा कि हूण कौन से, शक कौन से और कुषाण कौन से, उनके वंश वगैरह आज भी भारत में यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये सारे इन चारों टॉप पॉइंटों पे पूरा अपने इर्द गिर्द सारे ये किताब का जो पहला पार्ट है वो चलेगा, आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और 5 नंबर का ये पूरा पार्ट है, 5 नंबर का पार्ट है, तो इसमें से कम 2-3 छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं और अगर बड़ा बने गया तो एक क्वेश्चन बड़ा बन सकता है। तो जैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे बात करें मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को समझाइए, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को समझाइए, अशोक का धर्म क्या है उसको समझाइए, अपने कोई भी जैसे राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन सी है वो बताइए, तो अपन इन जनपदों का नाम लिखते हुए
इनका नाम लिखते हुए कौन कौन से क्षेत्र में फैली हुई है वो बताना है। मांझ जनपद काल के कोई पांच मांझ जनपदों के नाम बता दीजिए, तो अपन को मांझ जनपद के नाम बता सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बात करें चोल राजवंश की, चोल राजवंश के स्थानीय जो स्वशासन की विशेषता बताइए या स्थानीय स्वशासन क्या होता है वो बताइए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से कोई भी क्वेश्चन का अपन आराम से आंसर दे सकते हैं। बाह्य आक्रमण करने वाले कौन कौन से थे, तो अपन को पता है कि हूण शक और कुषाण थे। इस प्रकार से आत्मसातीकरण क्या है, यानी बाह्य जो आक्रमणकारी जो राजवंश थे उनको भारतीयों ने अपने साथ ही मिलाकर समाहित कर लिया, वो आत्मसातीकरण हो जाएगा। कुषाण वंश का प्रतापी शासक कौन था, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जा सकता है, तो कुषाण वंश का प्रतापी शासक अपने कनिष्क था, कनिष्क ने कौन कौन से क्षेत्रों को जीता, तो वो सारा इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो मुख्य बात है अपने घबराने की जरूरत नहीं, आराम से अपन इस पाठ के अंदर से सारे सवालों का सही जवाब दे सकते हैं। तो अभी किताब के माध्यम से अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये सारे एक एक बात सभी का एक एक जो मुख्य मुख्य बात है मैं आपको मौखिक रूप से बता दूंगा और उनको आपको सुन के लिखना है। तो शुरू करते हैं अपन, पहले पाठ की बात करते हैं। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 तक, इसमें पहले पेज पे आपके दे रखा है कि भारत जो है, भारत का अतीत है बहुत वैभवपूर्ण है, और जो भारत है अपने उत्तर में हिमालय से दक्षिण में जो अपने तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, यहाँ पर अपने अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, इस प्रकार से ये और दक्षिण उत्तर में हिमालय से सुरक्षित है, और यहाँ पर अपने जो थार का मरुस्थल है। भारत में जो आक्रमण हुए हैं वो अपने जो हमेशा नक्शे में ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, इस तरफ होता है पश्चिम और इस तरफ होता है पूर्व। कोई भी नक्शा कभी आए तो उसमें हमेशा नॉर्थ होता है, एन निकाल लगा होता है, नॉर्थ होता है हमेशा ऊपर की तरफ। तो ये अपने भारत का इस तरफ से हमेशा आक्रमण हुए है, भारत के इस तरफ से हुए, क्योंकि आगे अपन पढ़ेंगे बाह्य आक्रमण, उसमें विस्तार से बताएंगे कि इस बार यहाँ पर एक हिंदू कुश पर्वत है और हिंदू कुश पर्वत के अंदर दर्रे बने हुए हैं, उससे हमेशा भारत में आक्रमण हुए, चाहे अरब आक्रमण हो चाहे अपने शक हूण और कुषाण, ये सारी जातियाँ आई है वो भी किस तरफ से आए हैं अपने, ये पहले उत्तर को पढ़ेंगे, उत्तर पश्चिमी हिस्से से, उत्तर पश्चिमी हिस्से से सारे क्या हुए हैं आक्रमण हुए हैं। तो ये मुख्य बात है। अब अपन इसमें ये दे रखा है, इसके अलावा इन्होंने बताया है कि भारत की संस्कृति का प्रचार उत्तर में जो यहाँ से होते हुए जो अपन खोतान है, काश्मीर है, मध्य एशिया के क्षेत्र है, चीन में इसका अपने भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ, उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान तक जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, सारे मैंने बताया मांझ जनपद काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ है, तो यहाँ पर जापान वगैरह में भी इसका प्रचार हुआ। दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर ये म्यांमार है, जावा, मलाया, सुमात्रा, इंडोनेशिया जो इस तरफ के दीपांतर देश है वहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ, श्रीलंका में भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ, कंबोडिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति का प्रचार है जो सभी क्षेत्रों में हुआ, और इसका मुख्य कारण क्या था कि भारत का है एक स्वर्णिम इतिहास रहा हुआ है जिसमें भारत ने सांस्कृतिक तौर पर इन देशों में अपना क्या बनाया है, प्रभुत्व बनाया है। तो मुख्य बात इसमें पहले ये दे रखी है। इसके अलावा इसमें बात की है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता है जो तत्कालीन सभ्यताओं में सबसे परिष्कृत सभ्यता थी, जो एक अपने नगरीय सभ्यता के रूप में उसको जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है, हड़प्पा नामक स्थान से मिलने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, और सिंधु नदी के किनारे मिलने के कारण इसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है। तो इस नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मोहरे वगैरह मिली है इससे तत्कालीन समय की मेसोपोटामिया है, यूनान है, जो दूर देशों की सभ्यता है उन देशों की सभ्यता से इससे संबंध माने गए। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है। इसके अलावा भारत प्राचीन काल से क्या कर रहा है, आंतरिक व्यापार भी होता है। आंतरिक व्यापार मतलब अपने देश की सीमाओं के अंदर होने वाला व्यापार हो जाएगा, और विदेशी व्यापार है अपने देश से बाहर जो व्यापार होता था उसको बताया गया। तो इसमें मुख्य रूप से ये बात बताई है कि भारत व्यापार वाणिज्य में कृषि क्षेत्र में उन्नत था, और उस समय जो भारत का निर्यात था वो भारत के पक्ष में था। निर्यात पक्ष में मतलब होने का मतलब है कि जिस देश का निर्यात ज़्यादा होता है और आयात कम होता है, निर्यात तो क्या हो जाएगा ज़्यादा होगा और आयात होगा कम होगा, तो स्वाभाविक है जब निर्यात ज़्यादा होगा तो उस देश में बाहर का पैसा है, पैसा क्या आएगा ज़्यादा आएगा, तो अपने देश में पैसा ज़्यादा आएगा। और उस समय पैसों का माध्यम क्या था, सोना और चांदी था, तो सोना और चांदी भारत में ज़्यादा आएगा तो भारत का विकास क्या होगा ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से भारत का है उस समय मान सम्मान बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि भारत है सोने की चिड़िया कहलाता था, स्वाभाविक सोने की चिड़िया क्यों कहलाता था, क्योंकि भारत में धन धान्य की कमी नहीं थी, विदेशों से खूब सारा पैसा धन है जो भारत में आता था। तो इसमें मुख्य रूप से बातें यही की गई है, और इसीलिए भारत में आक्रमण होने का भी क्या कारण हुआ, शक हूण कुषाण भारत में क्यों आए, क्योंकि वो भारत के अंदर अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे और उनको भारत के अंदर बहुत सारा धन वगैरह प्राप्त होता था, तो ये कारण है मुख्य रूप से। तो इसमें ये सारी बातें दे रखी है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अपन बात करें मां जनपदों के उदय के बारे में बात करें, तो पहले क्या था, लोग कबीलों के रूप में रहते थे, छोटे छोटे कबीले थे, छोटे छोटे कबीले थे, कबीलों के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे थे, कोई साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं थी, बहुत सारे कबीले थे, एक यहाँ खूब सारे कबीले होते थे। अब वो कबीले धीरे धीरे क्या हो गए,
व्यवस्थित रूप से अपना विकास करने लगे, कृषि करने लगे, तो उस समय लोगों में जो वहाँ का नेतृत्वकर्ता थे उनमें भावना जागृत हुई कि अपन अपने क्षेत्र को बढ़ाएं। तो छोटे छोटे कबीले हैं जो मिलकर क्या बन गए, जन बन गए। पहले कबीले, फिर छोटे छोटे कबीले मिले और क्या बने, जन बने। अब वो ऐसे के ऐसे बहुत सारे जन हैं, मान लो ये कबीलों वाले जन, ये इसमें भी कबीले और फिर जन, और इसमें भी कबीले और ये जन, तो ये काफी सारे जन मिलकर क्या बन गई, जनपद बन गई। क्या बन गई, जनपद बन गई। अब भारत में खूब सारी जनपदें थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब बहुत सारी जनपदें थी, ऐसी की ऐसी बहुत सारी जनपदें हैं, वो मिलकर क्या बन गई, महाजनपद। क्या बन गई, महाजनपद। यानी जो महाजनपदें बनी है वो लंबा समय लगा, पहले कबीले थे, छोटे छोटे कबीले मिलकर क्या बने, जन बने, और ऐसे के ऐसे काफी सारे जन मिलकर क्या बने, जनपद बने, और ऐसी खूब सारी जनपदें मिलकर क्या बनी, महाजनपदें बनी। अब ये अपन को कैसे पता चला महाजनपदों का, तो एक बौद्ध ग्रंथ था, बौद्ध ग्रंथ था जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय। कौन सा बौद्ध ग्रंथ था, अंगुत्तर निकाय। उस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के नाम लिखे हुए, कितने महाजनपदों के नाम लिखे हुए, 16। अंगुत्तर निकाय में बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उसमें 16 ही महाजनपदों के नाम लिखे हैं, जिसमें जो तुम्हारी किताब में दे रखे हैं जनपदों के, दे रखी है, और जनपदों की राजधानियों के नाम दे रखे हैं। एक बार मौखिक रूप से अपन पढ़ लेते हैं, काशी, काशी की राजधानी थी वाराणसी थी। परीक्षा में ऐसा नहीं पूछेंगे कि 16 के 16 जनपद लिख रहे हैं, आपके परीक्षा में आएगा किसी जनपद का 4 या 5 जनपदों के नाम लिखिए, तो अपने को 5-6 जनपदों के नाम याद रखने हैं और उनकी राजधानियों का नाम याद रखना है। वैसे सारे नाम सरल ही है, काशी अपने जिसकी वाराणसी राजधानी है, कुरु की इंद्रप्रस्थ राजधानी है, अंग की चंपा राजधानी है, मगध जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद है, मगध महाजनपद जिसके नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य प्रशासन या सारे ये जो मुख्य रूप से वहीं पर हुआ और सबसे शक्तिशाली थी, ये भी आगे पढ़ेंगे शक्तिशाली क्यों थी। तो अपने मगध इसकी राजधानी राजगृह थी, बाद में उसको गृह विजय ट्रांसफर कर दिया गया। फिर एक वज्जी, वज्जी है जो संघ था, गण संघों का मिलकर बना था वज्जी संघ, तो वज्जी संघ की विदेह और मिथिला दो राजधानियां हैं। फिर मल की कुशीनारा, छेदी की शक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की अयोध्या और एक अन्य राजधानी थी जिसका नाम था श्रावस्ती। इसके बाद में पांचाल, पांचाल की अशत्रुपुर और एक कांपिल्य दो राजधानियां थी। इसके बाद में मत्स्य जो राजस्थान की महाजनपद है, विराटनगर और जयपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसे अपने मत्स्य जनपद बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आगे जो यहाँ पर है जो राजस्थान की जनपदें हैं उनके अंदर आएगा मत्स्य जनपद, तो ये है। इसके बाद में शूरसेन जिसकी है मथुरा, इसका भी राजस्थान से संबंध है। और इसके बाद में अश्मक जिसकी राजधानी थी पोतन जो अपने उड़ीसा के आसपास है। फिर आती है अवंती, अवंती की दो राजधानी थी, एक तो उज्जैनी और एक अपने थी महिष्मती। ये दक्षिणी भारत की अपने अवंती है जो दक्षिणी भारत का अपने महाजनपद है। दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद कौन सी थी, अवंती, जिसकी दो राजधानी थी, एक तो अपने उज्जैनी और एक महिष्मती। जैसा कि आपने बाहुबली पिक्चर में देखा हुआ होगा, महिष्मती जो कहा जाता है, महिष्मती का जो राजा है, तो वही महिष्मती इसकी राजधानी मानी जाती है, तो वो हो जाएगा। फिर आते हैं गांधार, गांधार है जो उत्तर पूर्वी भारत, बताया था मैंने नॉर्थ, उत्तर पूर्वी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भारत की एकमात्र महाजनपद है जिसका नाम है अपने गांधार, और उसकी राजधानी है तक्षशिला। नाम सुना होगा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उसका गुरु चाणक्य है जो वहाँ से आया था, वो आगे बन पढ़ेंगे, तो वो है गांधार। और एक आती है कंबोज, कंबोज है जो कश्मीर में, कश्मीर वाले क्षेत्र में है जो महाजनपद है, उसका नाम है कंबोज और उसकी राजधानी है हाटक। तो इस प्रकार से ये अपने 16 महाजनपद है, मुख्य रूप से यही है। आपको कम से कम 5-6 महाजनपदों के नाम याद रखने हैं और उनकी राजधानियां याद रखनी है, बाकी ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत और नहीं है। और इसमें अपने कौन से ग्रंथ में दे रखी है, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है उसमें इन 16 महाजनपदों के नाम दे रखा है। तो आपने महाजनपद वाला अपने पहला पॉइंट हो जाता है पूरा। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है राजस्थान की प्रमुख महाजनपद, तो जो अपने राजस्थान दे रखा है, राजस्थान तो आपने देखा हुआ होगा अपने मरुस्थल वाला हिस्सा, तो ये किस प्रकार से राजस्थान के अंदर कौन कौन से क्षेत्र में महाजनपद है वो सारा अपन देखेंगे। तो बात करें, पहला है जांगल, ये अपने बीकानेर वाला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, बीकानेर वाला क्षेत्र, यहाँ का जिसको जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ का राजा होता है उसको जांगल बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य रूप से इसके क्षेत्र का आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में भी मान लो आ जाए कि राजस्थान के प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखिए, तो आप टूटा फूटा एक नक्शा बना दीजिए और उसमें इनके क्षेत्र को बता दीजिए। जांगल प्रदेश बीकानेर में पड़ता है और उसके राजा को जांगल बादशाह के नाम से जाना जाता है, तो ये हो गया आपने जांगल पूरा। फिर आता है अपने मत्स्य, मत्स्य मैंने बताया कि जयपुर वाला हिस्से में, तो यहाँ पर अपने जयपुर यहाँ पड़ता है, तो जयपुर वाला हिस्सा है इसमें कौन सी आ जाएगी, मत्स्य महाजनपद। इसकी राजधानी कौन सी, अभी मैंने बताया था विराटनगर। इसका उल्लेख अपने किसमें महाभारत का जो अपने घटनाक्रम हुआ था उसमें पड़ता है कि जब जो इनको वनवास के लिए भेजा जाता है पांडवों को, तो उस समय एक साल का अज्ञातवास बच्चा बिताते हैं 13वें साल में,
तो वो अज्ञातवास ऐसा माना जाता है कि मत्स्य माँ जनपद के राजा है उनके पास में आकर वो यहाँ पर बिताते हैं। तो ये माँ जनपद काल का उस समय जो महाभारत काल में भी इसका महत्व था, तो इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मत्स्य माँ जनपद और राजस्थान में विराटनगर। इसके अलावा अपन को बहुत काल के भी अवशेष मिलते हैं, जो बैराट की पहाड़ी है यहाँ पर अपने को मौर्य राजा अशोक के अभिलेख भी अपन को यहाँ से प्राप्त हुआ है, बैराट का अभिलेख कहा जाता है। तो मत्स्य माँ जनपद महत्वपूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर अपने जांगल हो जाएगी, दो तो हो गई, तीसरी है अपने सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मैंने बताया था अभी मथुरा। तो मथुरा अपने कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। मथुरा कहाँ पड़ता है, यूपी में। तो ये अपने आदि तो जनपद है यूपी में और आदि ये अपने भारत में। तो यहाँ पर अपने कौन कौन से जिले हैं, यहाँ पर अपने चार जिले हैं जिसमें अपने ए बी डी सी क्रम है। यहाँ से सबसे पहले है अलवर, ए से अलवर, बी से भरतपुर, डी से यहाँ पर धौलपुर और सी से यहाँ पर करौली। इन चार जिलों में ये फैली हुई है। कितने जिलों में फैली हुई है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, क्रमश रूप से इन चार जिलों में फैली हुई है। कौन सी है, ये सूरसेन। कौन सी जनपद है, सूरसेन जनपद। तो चार जिलों में फैली हुई है। अब आप परीक्षा में आसानी से लिख सकते हो कि सूरसेन जनपद है जो राजस्थान और यूपी में फैली हुई है, और इसमें चार जिले राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली चार जिलों में फैली हुई है, और इसकी राजधानी कौन सी है, मथुरा है। इसकी राजधानी कौन सी है, मथुरा है। तो अपने और इस प्रकार से अगर बना देंगे आप नक्शा, या नक्शा नहीं भी बनाओ तो भी अगर उसमें मुख्य मुख्य बातें लिख दोगे कि इस कौन से क्षेत्र में फैली हुई है, तो आपके यहाँ पर नंबर कटने की संभावना क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दूसरा आता है अपने सीवी। तो सीवी पड़ता है यहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में पड़ता है, मेवाड़ क्षेत्र में, और कौन सी जनपद है, सीवी। शुरुआत में इसका जो संबंध था वो पाकिस्तान से था, किससे था, पाकिस्तान से था, लेकिन कालांतर में पाकिस्तान से जो लोग है पलायन करके कहाँ आ जाते हैं, इस मेवाड़ क्षेत्र में आकर बस जाते हैं इसके राजवंश, इसलिए इसको इसका क्षेत्र कौन सा माना जाता है, सीवी क्षेत्र, और कौन सा अपने मेवाड़ क्षेत्र में, ये मेवाड़ क्षेत्र की ये अपने जनपद मानी जाती है। तो अपने राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन सी हो जाएगी, जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सीवी, चार ही है। और मरु क्षेत्र अपने पूरे राजस्थान का किस नाम से जाना जाता है, अपने मरु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र अपने पूरा 12 जिले हैं लगभग, अरावली के इस तरफ वाले जो 12 जिले हैं वो पूरे किस में आते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है, इसलिए मरु क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मुख्य रूप से ये, इसके अलावा एक दो और अर्जुनायन वगैरह छोटी छोटी जातियाँ यहाँ पर निवास करती थी। तो ये मुख्य हो जाएगी, और भारत की जो राजस्थान की माँ जनपद है अपने शौर्य के लिए जानी जाती है। तो बता दिया अपने जांगल, ये किताब से एक बार देख लेते हैं, बीकानेर और इसमें नागौर क्षेत्र में पाई जाती है जांगल, जांगल बादशाह कहा जाता है, ये भी देख लिया। मत्स्य मैंने बता दिया अपने जयपुर वाले हिस्से में है, बैराट इसकी ये विराटनगर राजधानी थी, और अशोक का एक अभिलेख मिला है बैराट के नाम से, और महाभारत काल में भी इसका उल्लेख मिलता है अपने मत्स्य माँ जनपद का, मैंने बता दिया 13 वर्ष में अज्ञातवास यहाँ पर बिताते हैं। तो ये हो जाएगा। फिर सूरसेन है, सूरसेन की राजधानी मथुरा है, और इसमें इसका भी महाभारत में उल्लेख होता है, और चार जिलों में फैली हुई है, ये बता दिया अपन ने। और फिर आती है सीवी। सीवी है प्राचीन में शिवपुर के नाम से जानी जाती थी और पाकिस्तान में था, लेकिन बाद के कालांतर में आकर अपने चित्तौड़ के आसपास जो मेवाड़ वाला हिस्सा है यहाँ पर आकर बस गए, इसीलिए इसको अपने सीवी जो मेवाड़ से संबंधित जाना जाता है। तो ये हो गए अपने राजस्थान की माँ जनपद। पाँचों अपने चारों अपने मुख्य रूप से पढ़ ली, इसके अलावा अर्जुनायन वगैरह छोटी छोटी माँ जनपद पाई जाती है। तो ये मुख्य रूप से है। तो ये अपने दो पॉइंट हो गए पूरे इस पार्ट के, कितने पॉइंट हो गए, दो पॉइंट पूरे हो गए। एक तो पहला माँ जनपद काल, माँ जनपद कैसे बनती है वो अपने बता दिया, और कौन कौन सी थी जो अपने मुख्य रूप से बता दिया। फिर राजस्थान की जनपद है, जनपद ये सारी अपने चारों बता दी, कौन कौन से क्षेत्र में फैली हुई वो बता दी। अगला अपने पॉइंट शुरू होता है राजवंश। अब ये पूरा भारत का अपन राजवंशों की बात करेंगे, और राजवंशों में भी जिनका मैंने बताया स्वर्णिम, जिनका इतिहास सबसे बेहतर रहा है और जिसको पढ़े बिना अपन इतिहास को आगे नहीं ले के जा सकते हैं, वो सारे इसमें राजवंश आ जाएंगे। तो अपन बात करते हैं, पहले थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, समझ में नहीं आए तो वापस दो बार वीडियो सुन लेना, क्योंकि क्रैश कोर्स है और इसमें मैं धीरे से पढ़ाऊँगा तो फिर अपने कई घंटों की क्लासें बन जाएगी और वो संभव नहीं हो पाएगी। तो अपन बात करते हैं, पहले राजवंश है मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश से भी पहले राजवंश थे, क्या घटनाक्रम होता है कहानी थोड़ी सी अपने समझ लेते हैं। ये अपना भारत था, भारत अपनी मस्ती में मस्त था, पूरा छोटे छोटे जनपदों में, जैसा कि बताया जनपदों में और माँ जनपदों में बटा हुआ था, कोई ज़्यादा बड़ा भारत नहीं बना हुआ था, 16 माँ जनपद में बटा हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सिकंदर नाम सुना होगा, सिकंदर है वो क्या कर रहा था, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। कब विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं, उस समय विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। अब जब विश्व विजय के लिए निकल पड़ा तो उसमें भारत है, भारत अलग अलग भागों में बटा हुआ था, सभी अपने अपने क्षेत्र में शासन कर रहे थे, कोई सभी संगठित नहीं थे। तो उस समय ऐसा लगा, जहाँ पर अपन बात करें, मैंने नाम बताया था गांधार,
कौन सा नाम बताया था? गांधार, जो यहाँ पर महाजनपति और उसकी राजधानी थी तक्षशिला। तो यहाँ पर क्या हुआ, भारत में मैंने बताया कि आक्रमण सारे कहाँ से होंगे, उत्तर पश्चिम क्षेत्र से आक्रमण होंगे, तो स्वाभाविक है गांधार और ये क्षेत्र से पहले प्रभावित होंगे। तो यहाँ पर गांधार के अंदर एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय, भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में हजारों छात्र पढ़ते थे। तो उस समय तक्षशिला के अंदर एक सम्मेलन हुआ और उन्होंने कहा कि भाई सिकंदर आक्रमण कर रहा है तो अपन को क्या करना चाहिए, पूरे भारत को क्या करना चाहिए, संगठित हो जाना चाहिए और सभी को मिलकर क्या करना चाहिए, इसका मुकाबला करना चाहिए, किसका, सिकंदर का, ताकि सिकंदर भारत पर क्या नहीं करे, आक्रमण ना करे। तो ऐसे में यहाँ से उस समय भारत का एक सबसे शक्तिशाली क्षेत्र था और वो मैंने भी नाम बताया था मगध महाजनपद। कौन सी थी? मगध महाजनपद। अब मगध महाजनपद शक्तिशाली क्यों थी? एक तो यहाँ पर पड़ती है बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में जो अपने गंगा नदी का डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। अब सुंदरवन डेल्टा में क्या मिलते थे? हाथी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते थे। अब ये हाथी बहुत ज्यादा मिलते हैं तो अब हाथी क्या था, उस समय सेना का मुख्य भाग था। अब वो इतना एक बड़ा ऐसा हाथी है चलेगा तो कम से कम 4-5 लोगों को तो पैरों में दबाता हुआ चलेगा, इधर उधर मारता चलेगा। तो उस समय हाथियों का बहुत ज्यादा महत्व था, उसमें कोई बारूद वगैरह नहीं थी, बंदूक से दूर से मार दिया गया, तो हाथी थे। दूसरी बात, यहाँ पर जो ये मगध वाला हिस्सा है, वर्तमान बिहार और यूपी का पूर्वी हिस्सा है, तो वहाँ पर उस समय भी जो लोहे की मात्रा प्रबल थी, लोहा बहुत ज़्यादा निकला। आज भी अपन देखते हैं राहुल के लिए विलय वगैरह जो लोहे के खदान है वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो यहाँ पर लोहे के भी पर्याप्त मात्रा में था। अब लोहा है तो लोहे से क्या बनाएंगे, कृषि के औजार वगैरह लोहे से बनाएंगे, हल इसके बनाएंगे, तीर कमान भाले इससे बनाएंगे, तो सभी क्षेत्रों में पशुपालन में भी इसका लाभ हो जाएगा, जंगलों को काटने में, और जहाँ पर चारा वगैरह बनाएंगे पशु अपने हाथी वगैरह का पालन हो गया, जो सेना में काम में आ जाएगा, हथियार है तो हथियारों से सैनिकों के अंदर भाले और तीर कमान होंगे तो मजबूती से वो मुकाबला कर पाएंगे। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में जो काटने के हसीये वगैरह होंगे तो उसमें भी कृषि के उत्पाद प्रयोग से ज़्यादा मात्रा में फसल को जल्दी से काटा जाएगा। तो अब लोगों के पास में पैसा भी हो गया, समय भी हो गया, तब उन्होंने क्या किया, ये बहुत तेज़ी से क्या हुआ, मगध महाजनपद शक्तिशाली हुआ। तो अब ये यहाँ से चाणक्य, तक्षशिला से एक व्यक्ति है जिसका नाम है चाणक्य है, वो क्या करता है, मगध के पास में यहाँ के राजा के पास में आता है और उस समय यहाँ राजा था नंद वंश का राजा था, नंद वंश का शासन था और नंद वंश का उस समय राजा था घनानंद। कौन सा राजा था? घनानंद। अब नंद वंश का राजा घनानंद था, राजा मैंने बताया सब पैसा वगैरह अच्छा था यहाँ पर, क्योंकि कृषि वगैरह उन्नत अवस्था में थी, सेना भी अच्छी थी। तो वो घनानंद के पास में आया और चाणक्य ने घनानंद से रिक्वेस्ट की कि श्रीमान घनानंद जी, नंद वंश के शासक जी, हम क्या चाहते हैं कि सिकंदर का भारत में आक्रमण होने वाला है और मगध महाजनपद है जो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद थी मगध, तो आप क्या कीजिए, आप हमारा साथ दीजिए और हम मिलकर क्या करते हैं, सिकंदर को भारत में आने से पहले क्या कर देते हैं, भारत से बाहर भगा देते हैं। तो इसलिए उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की, किसने, चाणक्य ने। लेकिन घनानंद है जो अपनी मस्ती में मस्त था, आनंद ले रहा था अपने वहाँ पर शासन का बैठा हुआ कि मेरे को क्या टेंशन है, यहाँ तो बहुत दूर है सिकंदर, तो बहुत दूर है और मेरे बीच में तो काफ़ी सारी जनपद है, वो लड़ते लड़ते मेरे तक आएगा तो मैं मेरा मामला देख लूँगा। और उसने और घनानंद और घनानंद की बेटी थी जो भी शासन में राजा के समक्ष बैठती थी, और उन्होंने क्या कर दी, भरे दरबार में चाणक्य की क्या कर दी, इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी चाणक्य की, भाग जा कहाँ से आया ऐसा। तो चाणक्य को बहुत बुरा लगा और चाणक्य ने उसने अपनी छोटी, पंडित है छोटी बांध के रखते है, तो उसने अपनी छोटी में गांठ लगाई और कहा कि भाई अब मैं क्या करूँगा, इस किस वंश का, नंद वंश का नाश करूँगा तभी मैं सहन से नींद ले पाऊँगा। और उसके बाद में है जो चाणक्य है अपना यहाँ से पर्ण लेके क्या होता है, रवाना होता है। अब चाणक्य के दिमाग में एक ही बात आ रही है कि मेरे को क्या करना है, सिकंदर भले आए कुछ करे लेकिन मेरे को इस नंद वंश के, इस घनानंद के शासन व्यवस्था को समाप्त करना है, इस नंद वंश का क्या करना है, नाश करना है। और इसी बात को लेकर चाणक्य है चल पड़ा अब उसके दिमाग में कि मैं क्या करूँ ऐसा जिससे इस नंद वंश का क्या हो जाए, नाश हो जाए। तो उन्होंने उस समय जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, क्षत्रियों का काम होता था शासन व्यवस्था चलाने का, लेकिन अब उसको एक बार दिमाग में फिट हो गए कि मेरे को कुछ ऐसे कुछ कार्य करने हैं जिसके माध्यम से इस नंद वंश का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो वो जा रहा था, रास्ते में उसको एक क्षेत्र से गुजर रहा था, जंगल से होकर गुजर रहा होगा, तो वहाँ पर उसने देखा कि कुछ बच्चे बैठा हुआ, एक बच्चा था जो एक अपने पत्थर पर बैठा हुआ, उसके सामने 5-6 बच्चे बैठे हुए हैं और वो खेल खेल रहे हैं, पशु चारण कर रहे थे, पशु चराने गए हुए थे और वो खेल खेल रहे। पास में पेड़ के नीचे बैठा हुआ चाणक्य है, वो पूरी बात देख रहा था। एक बच्चा है उस
पत्थर पर बैठा हुआ न्याय कर रहा था और बाकी लोग अपनी फरियादें लेकर समस्याएं लेकर उसके पास में आ रहे थे और वो बच्चा अपना बिना हिचकिचाए इस प्रकार से व्यवस्थित रूप से न्याय कर रहा था, सबकी बात आसानदानीपूर्वक सुन रहा था और सुनने के बाद में वो उसका पूरा व्यवस्थित निर्णय ले रहा था। तो इस बात इस बच्चे की जो निर्णय क्षमता और इसको देख के चाणक्य इतना प्रभावित हुआ और उसने बस इतना प्रण ले लिया कि इसी बच्चे को मैं क्या करूंगा, एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में बनाऊंगा जो पूरे जितने भी 16 महाजनपद है उनका एकीकरण करेगा और इस नंद वंश का क्या करेगा, नाश करेगा। और उसी उसी जो पत्थर पर बैठा हुआ व्यक्ति का नाम था क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। और यही चंद्रगुप्त मौर्य है किस वंश की नींव रखता है, मौर्य वंश की नींव रखता है। तो अभी अपन किताब के माध्यम से देख लेते हैं किस प्रकार से क्या घटनाक्रम हुआ, ये सारा घटनाक्रम यही है। और इसी के बाद में इस चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारत का क्या किया गया, एकीकरण किया गया और उस समय सिकंदर का भी आक्रमण हुआ, तब तक अपने नंद वंश का शासन था। लेकिन यहाँ पर कश्मीर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है पोरस। क्या नाम था ये भी सुन लो, कश्मीर में एक क्षेत्र है पोरस। अब सिकंदर से पहले काफी सारे राजा घबरा कर उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और वो सिकंदर बढ़ता हुआ आ रहा था। लेकिन झेलम नदी पड़ती है यहाँ पर कश्मीर के, यहाँ पर इस क्षेत्र में एक नदी पड़ती है जिसका नाम था झेलम नदी। अब सिकंदर ने पोरस के पास में संदेशा भिजवाया, पोरस एक अपने आदिवासी जनजाति का राजा था, तो पोरस के पास संदेशा भिजवाया कि भाई पोरस है तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, मैं तेरे ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा। तो पोरस ने सीधा जवाब भेजा कि भाई सिकंदर जी आपका युद्ध के मैदान में हम क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। अब सिकंदर के दिमाग ठनक गया कि एक छोटे से पिद्दी भरे क्षेत्र का, मेरे जैसे बड़े शासक के सीधा चुनौती के लिए कहना और सीधा युद्ध के मैदान में मिलने की बात कहना, ये बात इसको जची नहीं, किसको, सिकंदर को। और सिकंदर का दिमाग फिरा और सीधा जाकर झेलम नदी के पास में बैठ गया। अब झेलम नदी के इधर इधर से पोरस आ गया और इधर अपने सिकंदर, दोनों आमने सामने बैठ गए। अब क्या हुआ था, उस समय बारिश का मौसम था और बहुत ज्यादा नदियां थी, जो झेलम नदी थी पानी के उफान पर थे, तो दोनों आमने सामने लड़ाई नहीं कर पा रहे थे। तो अब यहाँ सिकंदर ने धोखा दिया, धोखे में रखा किसको, पोरस को, और अपने यहाँ पर नाच गान शुरू कर दिया, मनोरंजन से आराम से बैठा हुआ है। पोरस को पता चला कि भाई सिकंदर तो मस्ती से बैठा है, लेकिन सिकंदर ने सुपके से एक सेना की टुकड़ी है जो पीछे से ऊपर की तरफ, पानी ऊपर की तरफ स्वाभाविक ही कम होगा, तो ऊपर की तरफ एक सेना की टुकड़ी भेजी और वो सेना की टुकड़ी पीछे से होकर कहाँ आई, अपने पोरस के पास में आ गई और पोरस से युद्ध होना शुरू हो गया। एक पोरस है जो हाथियों पर बैठा हुआ था और एक तीर लाकर, पोरस ने बहुत शक्तिशाली तौर पर मुकाबला किया, सिकंदर की सेना थरथराकर कांपने लगी, उनको डर लगने लग गया कि ऐसे ऐसे सूरवीर योद्धा भारत में हैं तो अपन को आगे नहीं बढ़ने चाहिए, उनका मनोबल गिरने लगा। और उस समय सिकंदर के सेनापति ने नेतृत्व करते हुए कहा कि भाई जो अपने हाथी पर बैठा हुआ है उसका निशाना लगाइए पोरस का, और पोरस है जो घायल हो जाता है। पोरस को घायल होने के बाद में किसके पास में लेके जाते हैं, सिकंदर के खेमे में लेके जाते हैं और वहां सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया जाता है और कहा जाता है भाई कि बोल तेरे साथ क्या सलूक करूं, मतलब सिकंदर अपने खुद को बहुत बड़ा समझते हुए उनको कहता है कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो सिकंदर वो कहता है फिल्मी डायलॉग की तरह, ये अपने सिकंदर फिल्मी डायलॉग की तरह कहता है और पोरस उसका जवाब देता है कि एक जो जीता हुआ राजा है जो जैसा हारे हुए राजा के साथ में सलूक करता है वैसा आप भी मेरे साथ कर लीजिए। और इस बात से सिकंदर इतना प्रभावित हो जाता है कि उसने विश्व विजय का सपना त्याग के वापस अपने यूनान की तरफ चला जाता है। ऐसे ऐसे मानवीर हुए हैं भारत में, लेकिन जो ज्ञान चाणक्य ने कसम खाई थी वो कसम उसने पूरी की और नंद वंश का नाश करके मौर्य साम्राज्य की नींव स्थापित हो जाती है। अब किताब के माध्यम से अपन उसको पूरा समझेंगे। अब जैसा कि मौर्य वंश की जो मैंने बात बताई किस प्रकार से चाणक्य है इसका चंद्रगुप्त को अपना वो बनाता है शिष्य और उसको पूरा जीत लेता है, ज्ञानानंद को हरा देता है और अपने मौर्य राज साम्राज्य की नींव रखता है इस प्रकार से। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य है अपनी शक्ति के बल पर जो अपने गुरु के द्वारा शिक्षा प्राप्त थी, ये सारी अपन को जानकारियां हैं अर्थशास्त्र के माध्यम से मालूम होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में किसी शासक का नाम नहीं दे रखा है। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 के आसपास शासन व्यवस्था के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है और पीछे के क्रम में चलता है। यहाँ पर अपने ईसा पूर्व और ईसा पश्चात आता है तो ये अपने मान माना गया है, यहाँ पर ईसा का जन्म माना गया है जो 0 से, अब इसके पीछे का जो कालक्रम है वो अपने 1-2-3-4 इस प्रकार चलेगा और इधर से 1-2-3 इस प्रकार चलेगा। यानी ईसा पूर्व मैं बताऊं कि 222 ईसा पूर्व 222 से 322 से ईसा पूर्व तो इसे इस तरफ चलेगा। अब इधर आना है अपन को तो ईसा के पूर्व बाद में इसका काल बताया है 298 तक। अब आपके दिमाग में होगा भाई 322 से आगे बढ़ना चाहिए जबकि पीछे क्यों आ रहा है, तो ये ईसा के जन्म के पहले है इसीलिए इधर से इस तरफ आएगा और फिर आगे बढ़ेगा। अभी वर्तमान में 1-2 ऐसे करके 2020 चल रहा है। तो अपने बात करें कि भाई सिकंदर ये चंद्रगुप्त कितने साल पहले हुआ है तो 220 प्लस कितने हो जाएंगे 322।
तो अब ये अपने संख्या आ जाएगी 2, 2, 4 और 3 यानी 2342 जो है इससे पहले किसका जन्म हुआ था उस मतलब किसका शासन व्यवस्था थी तो अपने आ जाएगी चंद्रगुप्त की। तो ईसा पूर्व और ईसा पश्चात, ईसा पूर्व के जो पीछे साल जाएंगे जैसे बात करें अपने ईसा पूर्व 3000 साल पहले क्या हुआ था हड़प्पा सभ्यता, ईसा पूर्व 3000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता हुई थी तो वर्तमान से इसमें अपने जोड़ेंगे 2020 प्लस 3000 तो अपने 5000 साल के आसपास में हड़प्पा सभ्यता हुई। तो ईसा पूर्व और ईसा पश्चात की ये बात अपने चलती है आफ्टर डेथ और आफ्टर ये अपने एडी और ये सारा कार्यक्रम इस प्रकार से चलता है। तो ईसा पूर्व और ईसवी में पता चल गया आपको। अब आगे चलते हैं अपन बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य है बहुत तेजी से अपनी प्रगति करता है, साम्राज्य का विस्तार करता है और उस समय एक विदेशी शासक होता है उससे भी उसका क्या होता है मुकाबला होता है और जिसका नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस से युद्ध होता है और उसका युद्ध के बाद में सेल्यूकस को 500 हाथी है जो उपहार में देता है चंद्रगुप्त, जिससे वो खुश हो जाता है और जो कंधार और काबुल और जो क्षेत्र थे वो क्षेत्र भी किसको खुश होकर दे देता है चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं और अपनी बेटी जो सेल्यूकस की बेटी थी उसका विवाह भी किसके साथ में कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर देते हैं। पहला विदेशी विवाह होने का ये प्रमाण अपन कह सकते हैं। तो वो उसके साथ में विवाह करवा देता है और इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के पास में एक उसका दूत यूनानी दूत था जिसका नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम था? मेगस्थनीज, जिसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। अब इसको याद रखने का तरीका मेगस्थनीज है जो इंडिका के अंदर बैठ गया, इंडिका गाड़ी आती है ना चार पहिए वो जो छोटी गाड़ी, तो उसके अंदर बैठ के कहाँ आया? भारत आया। तो याद रखने का सरल तरीका है मेगस्थनीज इंडिका पुस्तक लिखता है और उसमें सारी जानकारी देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास में 6 लाख सेना थी, उसके दरबार में अलग अलग जातियाँ थी जिसमें सैनिक है अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सारे विभिन्न प्रकार की जातियों के नाम दे रखे हैं और उनके कौन कौन से क्षेत्र है जैसे गंगा यमुना क्षेत्र में उसका निवास जो अपने पाटलिपुत्र क्षेत्र में उसका निवास था, उसकी राजधानी में बहुत सारे विद्वान वगैरह रहते थे। तो ये सारी जानकारी उनसे अपने को प्राप्त होती है। इसके अलावा जो और अन्य ग्रंथ है तत्कालीन समय से उनके से भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त होती है। तो मुख्य रूप से ये हो जाएगा। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य है जो जैन धर्म को अपना लेता है, दक्षिण जैन धर्म को अपना लेता है और अंत में जाकर जो दक्षिण भारत का एक क्षेत्र है स्वर्ण बैलगोला, कौन सा क्षेत्र था? स्वर्ण बैलगोला, वहां पर जाता है और खुद क्या कर देता है, एक जैनों की परंपरा होती है संथारा पंथा पद्धति, उस पद्धति के माध्यम से खाना पीना छोड़कर क्या दे देता है अपने प्राणों का त्याग देता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये बताया गया है। उसके बाद में जो वह दक्षिण में जा रहा था तो उसका बेटा था बिंदुसार, उसको वहां पर शासन व्यवस्था सौंप के जाता है। तो बिंदुसार भी आगे है जो आगे के कार्यक्रम में अक्षुण बनाए रखता है, जो जो चंद्रगुप्त ने क्षेत्र जीते हैं वो क्षेत्र उसके पास में अक्षुण रहते हैं और अपनी शासन व्यवस्था को क्या करता है मजबूत करता है। तो अगला ये शासक आ जाएगा अपने बिंदुसार और उसके शासन में भी बहुत सारे विदेशी यूनानी जो आए हैं एंटियोकस पत्तम डायमेकस जो विभिन्न राजदूत के रूप में यहाँ पर आए हैं। तो ये अपने इस प्रकार से हो जाएगा बिंदुसार का क्षेत्र। बिंदुसार ने कोई नया क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं जीता, उसने अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। उसके बाद में एक शूरवीर योद्धा आता है, शक्तिशाली शासक आता है जिसका नाम था सम्राट अशोक और अशोक का नाम सबने सुना होगा। अशोक का एक तो धम फेमस है, धम के सवाल अशोक का पक्का आने की संभावना रहती है हमेशा और अशोक का जो शासनकाल था वो बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत था। अब उसका क्या कारण हुआ? अब मैंने बताया कि लगभग जो चंद्रगुप्त ने सारे क्षेत्र को जीत लिया था। अपन बात करें अपने भारत की तो ये अपना भारत है और लगभग इस इतने बड़े क्षेत्र को तो किसने जीत लिया था? चंद्रगुप्त ने जीत लिया था। यहाँ पर एक क्षेत्र था जिसको जो खाली था जिसका नाम था कलिंग। कलिंग है जो उड़ीसा वाला क्षेत्र, कौन सा है? उड़ीसा वाला क्षेत्र है कलिंग, इसको अभी जीतना बाकी था लेकिन बाकी सारे क्षेत्र को जीत लिया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था। बिंदुसार, बिंदुसार ने भी इसको लगभग अक्षुण बनाए रखा, उसमें से कोई हारा नहीं लेकिन एक क्षेत्र था जिसका नाम था कलिंग और यहाँ पर अपने कौन सी जनपद थी? मगध। मगध महाजन तो ये थी। तो हमेशा यहाँ के शासकों के दिमाग में ये रहा कि भाई ये क्षेत्र अभी तक जिंदा क्यों है, ये क्षेत्र अभी तक हमारे कंट्रोल में क्यों है। और दूसरा ये दक्षिण भारत में जाने का भी माध्यम था इसीलिए भी इसको जीतना चाहते थे। तो अशोक के दिमाग में एक बात खड़क गई, कौन है शासक कौन वर्तमान में? अशोक। तो अशोक के दिमाग में एक बात खटक गई कि मेरे को इस क्षेत्र को जीतना है। तो उसने एक साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका इफ एंड बट कुछ भी हो मेरे को इस क्षेत्र को जीतना है और इसीलिए उसने एक योजना बनाई और यहाँ पर आक्रमण किया। जब अपने शासन के 261 ईसा पूर्व की बात है शासन के 8वें वर्ष में ये आक्रमण करता है, 8वें वर्ष और 261 ईसा पूर्व में क्या करता है? कलिंग पर आक्रमण करता है और आक्रमण में लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं। 1 लाख लोग क्या होते हैं? मारे जाते हैं, क्योंकि कलिंग के लोग थे वो स्वतंत्र प्रिय थे और वो अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर उसने नरसंहार किया, अशोक ने भारी भरकम आक्रमण किया और लोगों को काट मार काट मचा दी।
अब अशोक है जब युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध के मैदान में गया तो देखा जगह जगह लाशों के ढेर थे, तो अशोक का मन है उद्वेलित हो गया और उसने उस दिन से धर्म घोष के स्थान पर भेरी घोष मतलब युद्ध के लिए जो बीन बजाई जाती है उसको भेरी कहा जाता है, तो भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का नारा दिया। कौन सा दिया? धम्म घोष का नारा दिया, यानी अब आज के बाद में कोई भी क्षत्र है अपन लड़ाई से नहीं जीतेंगे, उसको प्रेम से जीतेंगे। तो भेरी घोष के स्थान पर कौन सा अपनाया? धम्म घोष को अपनाया। इसके अलावा इसने बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ, सो कौन से धर्म से प्रभावित हुआ? बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ, और उसने बहुत सारे क्या बनाए अपने इनको बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया, स्तूपों का निर्माण करवाया। इसके अलावा समय समय पर जो बौद्ध गया वगैरह है वहाँ पर भी वो गया, वहाँ पर टैक्स वगैरह कम किए, जो अपने बुद्ध से जन्म स्थान वगैरह थे वहाँ पर गया। इसके अलावा एक बौद्ध संगति का भी आयोजन करवाया। इस प्रकार से सम्राट अशोक है जो इस बौद्ध धर्म को बढ़ावा देता है और इसमें बौद्ध धर्म के जो सार तत्व थे सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह, इन सारे तत्वों को अपनाता है और बहुत महत्वपूर्ण है जो इसका अशोक का रोल रहता है। धर्म के आधार पर अपने साम्राज्य का प्रसार करता है। इसके अलावा ये अपने जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में जगह जगह अभिलेखों के माध्यम से अपनी बात को क्या करता है जगह जगह पहचान तक पहुंचाता है, जिसमें ये अफगानिस्तान से सरेगुना और एक दो क्षेत्र से अपने इनके अभिलेख मिलते हैं जो खरोष्टी लिपि में थे। कौन सी? खरोष्टी लिपि में इसके अभिलेख थे, सरेगुना और एक और क्षेत्र था, तो वहाँ से इसके लिए मिलते हैं। इसके अलावा जगह जगह अभिलेख मतलब जो बातें लिखी हुई थी पत्थर की शिलाओं पर जो बातें लिखी जाती थी उनको अभिलेख कहा जाता था। तो बहुत सारे जैसे अपने दिल्ली टोपरा वगैरह अभिलेख मिले हैं, बैराट का अभिलेख मिला है, उड़ीसा में कलिंग का अभिलेख मिला है, तो इस प्रकार से जगह जगह क्षेत्रों से उसके अभिलेख मिले हैं। जो ब्राह्मी और मुख्य रूप से जो देव क्षेत्र से मिले हैं वो तो ये अपने खरोष्टी लिपि में थे, बाकी जो अभिलेख थे वो किसमें मिले थे? ब्राह्मी लिपि में, और जिसमें वो अहिंसा वगैरह को रोकने पर कम कहता है। इसके अलावा जो खुद मुकदम और चौधरी है विभिन्न प्रकार के जो नियुक्ति करता है ताकि जो जगह जगह धर्म का प्रचार होगा उसमें एक एक बात को अपन विस्तार से लेते हैं। तो ये अशोक का साम्राज्य विस्तार हो गया। अशोक मुख्य रूप से किसको क्षेत्र को जीतता है? कलिंग को जीतता है। और एक अन्य नाम आता है अशोक है जो एक पुस्तक है कश्मीर का इतिहास लिखी हुई पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? कश्मीर का इतिहास लिखने वाली, कश्मीर का इतिहास लिखने वाली पुस्तक है जिसका नाम है राज तरंगिणी। तरंगिणी, राज तरंगिणी मतलब तरंगिणी का मतलब होता है नदी, राजाओं की नदी, जिस नाम की पुस्तक है जो कश्मीर का इतिहास बताती है, भारत के किसका इतिहास बताती है? कश्मीर का इतिहास बताती है। और उसमें बताया है कि अशोक ने एक यहाँ पर नगर की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से अपने अशोक की बात की जाएगी। राजतरंगिणी में उसने इसको पहले शिव का उपासक था लेकिन बाद में ये कौन से धर्म को अपनाता है? जो बौद्ध धर्म को अपनाता है। और राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी? कलहण ने। और कौन सा नगर स्थापित करता है? श्रीनगर, अभी वर्तमान में है श्रीनगर। श्रीनगर की स्थापना कौन करता है? अशोक करता है। तो इस प्रकार से अशोक के बारे में ये सारी जानकारी दे रखी है। तो आपको मुख्य मुख्य अशोक की बातें लिखनी है। इसके अलावा जो रुमिदेव अभिलेख से अपन को जानकारी मिलती है कि वह वहाँ पर गया था, ये भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के वहाँ पर बौद्ध गया वगैरह, और वहाँ टैक्स कम किया था, पहले राजा जो टैक्स लेता था उससे बाकी क्षेत्रों से जगह इस टैक्स के कम करता है। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था लेकिन फिर भी वह दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता है, इसीलिए उसने आजीविक थे उनके लिए एक बराबर की पहाड़ी है, उसमें जो चार गुफाएं बनाई थी सुदामा, चापर, विश्व झोपड़ी वगैरह, ये कर्ण वगैरह चार गुफाओं का निर्माण करता है। फिर अपन बात करते हैं अशोक की धम्म की। तो अशोक का धम्म है ये बहुत महत्वपूर्ण है, अशोक का धम्म के बारे में बात करेंगे। तो अशोक का धम्म है जैसा कि कौन सा नाम मिलता है? धम्म। धम्म का मतलब धर्म नहीं है, धम्म का मतलब धर्म, ये तो धर्म है और ये धम्म। अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं है बल्कि वो क्या है? बौद्ध, जैन, हिंदू और तत्कालीन समय के जितने भी धर्म हैं उनका सारांश था। क्या था? उन सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें थी, वो इन बातों को ग्रहण करके क्या कर दिया? अपने धर्म में जोड़ दिया, जैसे अहिंसा, सत्य, सत्यग्रह, अच्छी नीतियों का निर्माण, माता पिता की सेवा करना वगैरह, जो मुख्य मुख्य बातें थी, आमजन की सेवा वगैरह, जो मुख्य मुख्य बातें थी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना वगैरह, तो सभी धर्मों की जो सारांश है वो अपने धर्म में उसने धम्म में शामिल किया। तो सबके धम्म में साधु स्वभाव का रहना वगैरह, मृदुता से कभी किसी वाणी विशेष से भी लोगों को दुखी नहीं करना, पाप वगैरह नहीं करना, तो ये सारे आ जाएंगे। गुरुओं की आज्ञा वगैरह मानना, सारा ये सामग्री है जो किसमें आती है? अपने अशोक के धम्म में आती है। तो इस प्रकार से अशोक का धम्म है, बाकी ज्यादातर प्रभाव उसका बौद्ध धर्म से था। तो ये हो जाएगा।
इसकी जानकारी अपन को किससे मिलती है, उसके अभिलेखों से अपन को इसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर इसका पॉइंट आता है धम्म यात्रा। तो अशोक ने, सम्राट अशोक कहता है कि सभी अपने जो समय समय पर जो उनके मंत्री वगैरह थे उनको कहा गया कि आप समय समय पर प्रति 5 वर्ष में अपने क्षेत्रों में जाइए और वहाँ पर लोगों को प्रेरित कीजिए विभिन्न धम्म को अपनाने की। तो ये अपने आती है उसकी धार्मिक यात्रा। फिर आता है अपने अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब है अपने प्रादेशिक रज्जु को और युक्तों को जगह जगह जाकर अपने धम्म का प्रचार करने की बात की है, उनके लोगों की समस्याओं को सुनने की बात की है, उनको अनुसंधान कहा जाता है। फिर धम्म मात्रा, जो धर्म की व्याख्या करे और जो धम्म के बारे में बातचीत करे, लोगों को प्रेरित करे, वो हो जाएगा धम्म मात्रा की नियुक्ति। ये सारे कल्याणकारी कार्य करने के लिए इनकी नियुक्ति की गई। फिर आता है अशोक के अभिलेख। तो पत्र शिलाओं पर अशोक ने जो मुख्य मुख्य धार्मिक बातों, धर्म की बातों को लिखा और लोगों को अपनी बातों से प्रेरित करने, उसलिए मैं उस समय कोई ट्विटर या ऑनलाइन माध्यम नहीं थे ताकि न्यूज लोगों के पास पहुंच जाए, तो उसने इन पत्रों के माध्यम से लंबे समय तक वो बातें लिखी रखकर उनको, लोगों को प्रेरित किया। तो इस प्रकार से उसके अभिलेखों से अपन को जानकारियां मिलती है। अभिलेखों में भी उसके अलग अलग अभिलेख है, गुहा अभिलेख है, शिला लेख है, बड़े बड़े शिला लेख वगैरह, स्तंभ लेख है। तो ये अलग अलग इसकी जानकारी मिलती है, जिसमें अपने आपने नाम सुना होगा अशोक का सारनाथ का अभिलेख, जिसके ऊपर सिंह बना हुआ, 4 सिंह बने हुए, जिसको अपन को राष्ट्रीय सिंह के रूप में भी लिया गया सिक्कों पे वगैरह। तो वो सारे इस प्रकार से बने हुए होते थे। एक बड़ा साल अभिलेख इसमें ऊपर की तरफ बनाया जाता है और नीचे गांव डूम लाट जैसे ये अपने कमल की आकृति के बने हुए होते थे और ऊपर किसी पशु पक्षी का अपना चिन्ह बना हुआ होता था और इस स्तंभ पे सारी बातें लिखी हुई होती थी। इस प्रकार के अभिलेख अपन को बहुत सारे प्राप्त होते थे। तो ये हो जाएगा अशोक के अभिलेख। इसके बाद में अशोक के उत्तराधिकारी, मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के उत्तराधिकारी है जिसमें दशरथ थे, कुणाल थे, लेकिन वो इतने ज्यादा समय अशोक के जैसे टिकाऊ नहीं थे। और दूसरी बात, अशोक ने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया, जिसके कारण क्या हो गए, सैनिक थे वो अब कोई युद्ध नहीं कर, अशोक तो शक्तिशाली और प्रभावी शासक है इसलिए उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद में जो सैनिक वगैरह थे वो शिथिल हो गए। सैनिक हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब अशोक ने धम्म घोष अपनाया कि अब लड़ना तो है नहीं, तो सैनिक क्या हो गए, कमजोर हो गए। तो अशोक के बाद के राजवंश थे उनको काफ़ी समस्याएं आई, क्योंकि वो अशोक के जितने प्रभावी नहीं थे, तो लोगों ने उनको बातों को मानना इनकार कर दिया और सैनिक भी शिथिल पड़े हुए थे। तो इसलिए बाकी के शासक है धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। और उसके बाद में जो अंतिम मौर्य शासक था जिसका नाम था वृद्धत्त की हत्या है, जो उसी का जो सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र, वो उसको क्या कर देता है, वृद्धत्त को मार देता है। और कौन बन जाता है, पुष्यमित्र शुंग है, जो क्या कर जाता है, मौर्य राजवंश का समाप्त करके शुंग राजवंश की स्थापना करता है। शुंग राजवंश में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब इसमें अपने अगला टॉपिक ले लेते हैं, मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन में भी पॉइंट वाइज में आपको बता देता हूँ क्या है मौर्य प्रशासन, मतलब जो शासन व्यवस्था है, सबसे शासन व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर पर कौन होता है, राजा होता है, और राजा की सहायता के लिए मंत्री वगैरह होते हैं। तो किस प्रकार से राजा शासन व्यवस्था चलाता है, कौन कौन से मंत्री होंगे, विभाग होंगे, सेना होगी तो कैसी होगी, वो अपने मैं विस्तृत रूप से एक एक पॉइंट से आपको बता देता हूँ। तो पहला है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन को सही रूप से चलाने के लिए क्या किया था, सम्राट अशोक ने पूरे साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया, जो ने जैसे बात करें भारत की, तो भारत इतना बड़ा भारत है तो उसको राज्यों में बांटा गया, तो मौर्य प्रशासन को उसने 5 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांट गया, जिसमें पहला तो अपने स्वयं हो गया मगध वाला हिस्सा, इसके बाद में उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती प्रांत और ये हो गया अपने कलिंग वाला क्षेत्र। तो 5 भागों में इसको अपने पूरे साम्राज्य को बांट देता है। और इसमें भी मैन यहाँ पर तो कौन रहता है, राजा रहता है, और इन छोटे क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, राज परिवार से संबंधित, राजा से खून का रिश्ता होगा, राजा के बेटे हैं, राजकुमार वगैरह, उनको इन क्षेत्रों में क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे, और वो वहाँ की शासन व्यवस्था चलाएंगे। तो इस प्रकार से उसने पूरी शासन व्यवस्था को अलग अलग भागों में बांटा गया, जिसमें उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, अवंती प्रांत की उज्जैनी, कलिंग की तोसली, दक्षिणापद की सुवर्णगिरी और मध्य प्रांत की पाटलिपुत्र राजधानी थी, इस प्रकार से राजधानी थी, और वहाँ पर आर्यपुत्र और इनको रखा जाता था। इसके बाद में छोटे छोटे प्रांतों में भी छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया गया था, और अंत में सारे गाँव के रूप में सबसे लास्ट इकाई कौन सी होती थी, गाँव होती थी। तो इस प्रकार से कार्यक्रम चला। अब पहला है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में मैंने बता दिया कि किस प्रकार से ये सारे जो 5 क्षेत्रों में बांटा गया। फिर आता है नगर प्रशासन। नगर प्रशासन है मेघसनी की पुस्तिका से अपन को पता चलता है कि कोई भी नगर को चलाने के लिए 30 सदस्यों की एक समिति होती थी, और जिसमें 5-5 सदस्य होते थे, 6 समितियां टोटल काम करती थी, जो अपने अलग अलग समितियां हैं जो मुख्य रूप से अलग अलग कार्य करती थी, जैसे कोई व्यापार वाणिज्य से संबंधित कार्य करेगा,
कोई अपने सुरक्षा से संबंधित कार्य करेगा, कोई विदेशी जो अपने आए उनकी आय व्यय का लेखा जोखा रखेगा, कोई कृषि से संबंधित कार्य करेगा, तो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को इन समितियों के माध्यम से नगरों में चलाया जाता था। तो ये हो जाएगा। फिर आती है सैन्य व्यवस्था। नाम से पता चलता है सैन्य व्यवस्था मतलब सेना के रूप में, तो सेना को अलग अलग 6 समितियों के रूप में बांट रखा था और जो समितियां थी वो सारी शासन व्यवस्था चलाती थी। अब सेना में अलग अलग भाग है, जैसे सबसे पहले अपने हो जाएगी पैदल सेना, फिर हस्ती सेना, रथ सेना, अपने घुड़सवार सेना। घोड़ों का इस समय इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, यहाँ पर हाथियों का ज़्यादा प्रचलन था। फिर इसके बाद में अपने रथ सेना हो जाएगी और अंत में हो जाएगी जो एक नौसेना की टुकड़ी भी रखते थे ताकि समय पर किसी क्षेत्र में जो आक्रमण करना या विदेशी कोई आक्रमण हो जाए तो उनका मुकाबला आसानी से कर सके। तो कौन कौन से हो जाएगी सेना में? हाथी है, रथ है, पैदल है, अपने घुड़सवार है, घुड़सवार यानी घोड़ों पर, और इसके अलावा नौसेना। तो इस प्रकार से इन सेनाओं का गठन कर रखा था और इनमें भी अलग अलग श्रेणी के जो व्यक्ति है वो इसको चलाते थे। तो इस प्रकार से हो जाएगी अपने सेना। फिर अपने न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च पर कौन बैठा हुआ था? राजा बैठता था, अंतिम निर्णय है कोई भी मुकदमे का या समस्या का राजा करता था। इसके अलावा स्थानीय प्रांतीय क्षेत्र में भी अलग अलग न्यायालय बांटे रखे थे, 2 न्यायालयों में बांटा गया था प्रांतीय क्षेत्रों में। एक था धर्मस्थानीय न्यायालय जो वर्तमान में अपने दीवानी मुद्दों से संबंधित ले सकते हैं। दीवानी मुद्दे, धर्मस्थानीय न्यायालय का मतलब होता है दीवानी मुद्दे, वर्तमान के दीवानी मुद्दे। और दीवानी मुद्दों में जैसे चोरी का मुद्दा है, लड़ाई का है, डकैती का है, मारकाट का जो मुकदमे हैं वो सारे किसमें आ जाएंगे? दीवानी में आ जाएंगे, जो तत्कालीन समय के धर्मस्थानीय न्यायालय से संबंधित है। फिर आता है कंटक शोधनीय न्यायालय। कंटक शोधनीय न्यायालय का मतलब होता है जिसमें ऐसे मुकदमे आ जाएंगे जो तत्कालीन समय के मुख्य रूप से वर्तमान के फौजदारी मुद्दे, वर्तमान के फौजदारी मुद्दे यानी कोई जमीन का विवाद हो गया, कोई पैसों का विवाद हो गया, किसी क्षेत्र विशेष का विवाद हो गया, तो वो सारे क्या आ जाएंगे? संपत्ति से संबंधित विवाद हो जाएंगे, वो सारे किसमें आ जाएंगे? धर्म ये कंटक शोधनीय न्यायालय में आ जाएंगे। इसके बाद में मौर्यकालीन समाज। मौर्यकालीन समाज है जो पुरस्कृत था, और इसके अलावा मैंने बताया है कि जो मेघस्तनीज की इंडिका पुस्तिका में उसने बताया है कि यहाँ पर अलग अलग जो प्रकार के लोग निवास करते थे, जिसमें वैसे तो मुख्य रूप से 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण बताए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो अपने कृषक का कार्य करने वाले अलग वर्ग होंगे, व्यापार वाणिज्य करने वाले अलग वर्ग होंगे। तो इस प्रकार से मौर्यकालीन समाज भी बटा हुआ था। अब आता है शुंग वंश। शुंग वंश का कोई इतना प्रतापी शासक नहीं था। शुंग वंश के 4-5 राजा हुए हैं, जिसमें एक तो अग्निमित्र है, एक ज्येष्ठ मित्र है, भद्रक है, भागवत है और देवभूति। इसका इतना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि इस यहाँ पर इतना अच्छा कोई कार्य नहीं हुआ। कुछ इनके राजा थे जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ वगैरह करवाए हैं। तो ये हो जाएगा। इसमें पतंजलि है जो शुंग वंश के आगे तुम्हारे पाठ के पीछे क्वेश्चन दे रखा है कि शुंग वंश के शासनकाल में कौन हुआ? एक पतंजलि हुआ था महत्वपूर्ण, जो अपने आयुर्वेद का जो ग्रंथ लिखे वगैरह है वो पतंजलि इस समय यहाँ पर इस वंश के समय यहाँ पर शासक थे पुष्यमित्र शुंग के समय। तो ये हो जाएगा मुख्य रूप से। अब इसके बाद में आता सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के राज्यों के बाद में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने जो महाराष्ट्र क्षेत्र है वहाँ पर इन्होंने शासन व्यवस्था चलाई और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। इनके बारे में कहा जाता है कि भाई इनके जो अभिलेख मिलते हैं, एक तो नागनिका का नानाघाट अभिलेख जिसमें बताया गया है कि इनके जो घोड़े हैं 2 समुद्र का पानी पीते थे, दक्षिण वाले समुद्र का और उत्तर में हिमालय के आसपास वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर भी इनके घोड़े पानी पीते थे, तो इनके बारे में बताया गया है। इसके अलावा यहाँ के जो शासक थे वो अपनी उपाधि के साथ में अपनी माता का नाम भी लेते थे उपाधि के रूप में, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी यानी गौतमी का पुत्र है जो सातकर्णी। तो ये सातवाहन वंश के प्रमुख राजा हुए गौतमीपुत्र सातकर्णी वगैरह। इन्होंने अपने शासन व्यवस्था को खूब बढ़ाया है और यज्ञश्री सातकर्णी वगैरह ये मुख्य रूप से शासक थे। इनका जो संस्थापक था उसका नाम था अपने श्रीमुख। इसने इस आंध्र प्रदेश गोदावरी नदी के तट पर इस सातवाहन राजवंश की नींव रखी है। तो ये भी इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके जो शासन व्यवस्था थी वो सुदृढ़ थी और इनके बारे में अपन को जूनागढ़ विलेख वगैरह से भी अपन को जानकारी मिलती है। तो इसके साथ नहीं जूनागढ़ से तो इसकी जानकारी मिलती है, अपने गुप्तों की जानकारी मिलती है। तो ये हो जाएंगे सातवाहन वंश। इन्होंने इनके साम्राज्य में सोना चांदी के भंडार भरे हुए थे, विदेशों से ये घोड़े वगैरह का आयात करते थे और इनका व्यापार वाणिज्य पेशकश था, अच्छा था, सुदृढ़ था। तो ये हो जाएंगे। इसके अलावा ब्राह्मणों को पहली बार भूमि दान करने की जो परंपरा चलाई थी वो भी सातवाहनों ने चलाई गई थी। तो ये हो गया सातवाहन राजवंश। अब इंपॉर्टेंट आता है, मैंने बताया अगला राजवंश आता है गुप्त राजवंश, जो सबसे महत्वपूर्ण है गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने, जो अपने शिवगुप्त के माध्यम से शासन व्यवस्था चलाता है। श्रीगुप्त इतना फेमस नहीं हुआ, आगे जाकर चंद्रगुप्त प्रथम है जो इसकी मुख्य रूप से महाराजेंद्र राज की उपाधि लेता है। श्रीगुप्त ने कोई उपाधि इतनी बड़ी नहीं ली, लेकिन आगे चंद्रगुप्त है
जो महाराजा अधिराज की उपाधि के साथ में क्या करता है, इस गुप्त साम्राज्य की नींव रखता है। और इसका जो समय था लगभग 275 से लेकर अपने लगभग 550 ईस्वी, यानी ईसा के जन्म के 275 साल बाद ये इस राजवंश की नींव रखी गई, और लगभग जो अपने 550 के आसपास तक ये शासन व्यवस्था चलती है किनकी, गुप्तों की। तो ये हो जाएगा जिसमें इसमें कठोत्कच का पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम जो इसकी नींव रखता है मुख्य रूप से, और आगे इसका जो जिसने एक संवत भी चलाया था चंद्रगुप्त ने 319 में, जो अपने बहुत महत्वपूर्ण संवत है जिसका नाम है गुप्त संवत। कौन सा संवत है? गुप्त संवत 319 ईस्वी में चलाया था किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इसी ने क्या कर दी थी, इसकी गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। स्थापना तो किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी, लेकिन इसने मजबूत किसने बनाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो इस प्रकार से ये अपने हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। और उसके बाद में सबसे शक्तिशाली राजा आता है इसका, सबसे महत्वपूर्ण है। देखो जैसा मैंने बताया मौर्य शासन में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन सा था? अशोक था और चंद्रगुप्त थे। और उसी प्रकार अपने जो गुप्त शासन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो जाएगा? अपने समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, जिस प्रकार यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट हुआ था अपने फ्रांस की क्रांति के अंदर, उसी प्रकार एक भारत में भी नेपोलियन हुआ जिसका नाम था समुद्रगुप्त। उसने एक भी युद्ध नहीं हारा है, बहुत सारे युद्ध जीते हैं। तो उसकी अपन को जानकारी कौन सी मिलती है? उसका एक अभिलेख था जिसका नाम था इसका इलाहाबाद प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका हरिशयन ने लिखी थी इसकी प्रशस्ति, और उसमें उसने समुद्रगुप्त के बारे में विशेष तौर पर जानकारी दी है। इसके अलावा सिक्कों के माध्यम से भी अपन को समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। वीणा वादन प्रकार के सिक्के, व्याघ्र प्रकार के सिक्के हैं, इनसे समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। जो और जो इलाहाबाद अभिलेख है उसमें लिखा गया है कि शुरुआत में वह अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतता है, फिर दक्षिण के क्षेत्रों को जीतता है, फिर बहुत सारे राजा है उससे डर कर उसके साथ में आ जाते हैं, और एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखता है। अपने आसपास के जो जातियां थी उनको भी वो अपने जंगलों को साफ करके आदिवासी जातियों को भी अपने कंट्रोल में लेता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शासक हो जाएगा। जो सिक्के मिले हैं उन पर वीणा बजाते हुए जो सिक्का क्षेत्र मिला है, इससे वीणा वादन प्रकार के इसकी वीणा के इंटरेस्ट रखने की भी इसको अपन को जानकारी प्राप्त होती है। फिर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, एक अन्य महत्वपूर्ण शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी जानकारी अपन को तत्कालीन समय में जो एक यूनानी नहीं अपने चीन का एक आया था विदेशी जिसका नाम था फायान, फायान अपने पुस्तक फू की योग की में लिखता है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाता है। तो ये हो जाएगा। और इसके अलावा जो उसका एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है, आपने सुना होगा मेहरौली का लौह स्तंभ, मेहरौली का लोह स्तंभ, मेहरौली का लोह स्तंभ है, लोहे का बना हुआ स्तंभ है। तो इस स्तंभ पर क्या लिखा हुआ है? चंद्रद्वितीय लिखा हुआ है। और इसी चंद्रद्वितीय का संबंध किससे लिया गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से इसका संबंध बताया गया है। इसके अलावा चंद्रगुप्त की और क्या उपलब्धियां हैं? तो इसने एक बहुत बड़ी उपाधि दी थी जिसका नाम है विक्रमादित्य नामक जो उपाधि है वो ग्रहण करने वाला प्रतापी शासक था। और सबसे ज्यादा जो विक्रमादित्य की उपाधि का मान बढ़ाने वाला शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा अपने चंद्रगुप्त द्वितीय की जो मुख्य बातें हैं। फिर इसने जो युद्ध वगैरह किए हैं, शकों पर विजय की है, विक्रमादित्य की उपाधि लिए, ये इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद में आता है कुमारगुप्त, इसका लीला शासक। कुमारगुप्त की बहुत ज्यादा बात बड़ी नहीं आती है। कुमारगुप्त ने एक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जो बिहार में पड़ता है, जो तत्कालीन समय के विश्वविद्यालय, एक तो तक्षशिला मैंने बताया गांधर में पड़ता है, और दूसरा है अपने जो मगध के आसपास पड़ता है जो वर्तमान बिहार में था, जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर भी हजारों छात्र पढ़ते थे। और इसकी जानकारी अपन को अहिंसा की पुस्तक से मिलती है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। फिर आता है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त है जो हूणों का नाश करता है और हूण ऋणकेशी की उपाधि लेता है और जूनागढ़ की नींव रखता है। उसकी भी अपन को मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त करती है। जूनागढ़ अभिलेख में तत्कालीन समय की जो जितनी भी जो पानी से संबंधित व्यवस्था है उसकी अपन को जानकारी प्राप्त होती है। तो ये अपना स्कंदगुप्त हो जाएगा। फिर गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, जिस प्रकार अपन ने पढ़ा है मौर्य कालीन सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, तो वहाँ पर भी प्रशासन की बात आएगी, यहाँ पर भी प्रशासन की बात आएगी। अलग अलग प्रशासन अलग अलग भागों में बांटा होगा, राजा मुख्य प्रशासन का पदाधिकारी होगा, तो वो इसकी ज़्यादा बातों में अंतर नहीं है। ये काल था जो पूरे भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस समय बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, विभिन्न प्रकार के अपने जो वराहमिहिर है, अपने क्या नाम है उनका, जो रघुवंश, माँ कालिदास है, महाकाव्य लिखे गए विभिन्न प्रकार के, रघुवंश है, मालविका, अग्निमित्र, महाकाव्य वगैरह लिखे, आर्यभट्ट वगैरह, सरक, सुश्रुत वगैरह, तत्कालीन समय के विभिन्न प्रकार के रसायन वगैरह की जानकारी मिलती है, भौतिक शास्त्र की जानकारी मिलती है। तो ये काल था, बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अलावा शूद्र की बुद्ध राक्षस है, विभिन्न प्रकार नहीं शूद्र की मर्चकटिकम है,
और विशाखदत्त मुद्रा राष्ट्र गिरा है, तत्कालीन समय की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, तो इनकी भी लेखन है जो इस काल में हुई है। इसके अलावा सांस्कृतिक उपलब्धियों में मैंने बताया कि इसका जो अभिलेख मिला है मेहरौली का लोह स्तंभ जो आज भी ऐसा कैसा खड़ा है, उसमें जंग नहीं लगा हुआ है। इसके अलावा एक पाटलिपुत्र में 80 फुट की मूर्ति मिली है बुद्ध की, तो वो भी तांबे की अपने आप पर बहुत महत्वपूर्ण मूर्तियां थी, तो ये जानकारी अपन को प्राप्त होती है। फिर आता है गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज बिखरा हुआ पड़ा था, विभिन्न प्रकार के समाज में अब वर्ण व्यवस्था है, जन्म आधारित हो गई थी, जातियों का प्रधानता हो गई थी, स्त्रियों का सम्मान होता था धर्म में, तो ये सारी प्रमुख थी उस समय की सामाजिक उपलब्धियाँ। महिला भी शिक्षा प्राप्त करती थी, अध्ययन पठन पठन का कार्य करती थी, स्वयंवर प्रथा का प्रचलन हो चुका था इस प्रकार से, और विभिन्न प्रकार की नई जातियाँ कायस्थ जातियाँ वगैरह यहाँ पर समाज में समाहित हो गई थी। अब गुप्त काल के बाद में अगला आता है वर्धन वंश। इस वंश की क्या विशेषता है, ये अपने भारत के यहाँ पर कन्नौज वाला क्षेत्र में जो यूपी में पड़ता है उस क्षेत्र को लेकर था। यहाँ पर बंगाल में एक था जिसका नाम था शशांक नामक एक शासक था, उसने क्या किया यहाँ पर कन्नौज के ऊपर आक्रमण कर दिया, और कन्नौज के अंदर यहाँ पर अपने पास में पड़ता है जो थानेश्वर वाला क्षेत्र था जिसका थानेश्वर वाला क्षेत्र था जिसमें राजा थे प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन और उसके बाद में आया हर्षवर्धन। अब क्या हुआ, हर्ष प्रभाकरवर्धन की थानेश्वर में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में शासक बनता है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन है अपनी बहन, ये दोनों भाई है और इनकी बहन थी राज्यश्री, क्या नाम है राज्यश्री। अब राज्यश्री का विवाह क्या कर देता है, ये कन्नौज के शासक से करना कर देता है। ये कहानी सुन लो पहले, थानेश्वर का शासक है प्रभाकरवर्धन मर गया, उसके बाद में राज्यवर्धन शासक बना। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों भाई है, इन दोनों भाइयों ने अपनी बहन राज्यश्री का विवाह कन्नौज के शासक से कर लिया। अब कन्नौज के शासक यहाँ पर शासन कर रहा था, लेकिन बंगाल का शासक, कहाँ का शासक है, बंगाल का शासक है, इसने यहाँ के दक्षिण के जो ये अपने मालवा के शासक से मिलकर, ये दोनों मिलके इसके ऊपर कन्नौज के ऊपर आक्रमण कर लिया और यहाँ के राजा को क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया, राजा मर गया। अब ये राजा मर गया तो इन दोनों की बहन है राज्यश्री क्या हो गई, विधवा हो गई, और विधवा होने के बाद में ये एक जंगल में चली गई। कहाँ पर चली गई, जंगल में चली गई, विधवा होकर जंगल में चली गई। इस बात को राज्यवर्धन सहन नहीं कर पाया, राज्यवर्धन ने भाई है तो भाई को अपनी बहन की टेंशन हुई और वो सेना लेकर थानेश्वर से कहाँ पहुँचा, कन्नौज पहुँचा और शशांक के पीछे पड़ गया। यहाँ से शशांक है कन्नौज से भागकर कहाँ पहुँच गया, वापिस बंगाल चला गया और फिर वापिस आक्रमण किया और इसने राज्यवर्धन को भी क्या कर दिया, मार दिया। पहले कन्नौज के शासक को मारा, फिर राज्यवर्धन को मारा और प्रभाकरवर्धन। अब अपने कहानी आकर टिक जाती है, मुख्य रूप से राज्यवर्धन मर गया, कन्नौज का शासक मर गया और शशांक भी जिंदा है और अपने हर्षवर्धन जिंदा है। बहन विधवा होकर जंगल में चली गई है, बहन है जो विधवा होकर जंगल में चली गई है। अब क्या घटनाक्रम होता है, अब यहाँ का शासक था कन्नौज का शासक मर गया तो यहाँ पर एक मंत्री था जिसका नाम था भंडी, क्या नाम था, मंत्री था भंडी। भंडी ने थानेश्वर के शासक हर्षवर्धन को कहा कि आप आइए और कन्नौज के क्या बन जाइए, राजा बन जाइए। अब हर्षवर्धन ने जो टेंशन में था, बहन विधवा हो गई, राज्यवर्धन भाई मर गया, तो अब ये टेंशन में आ गया और दुखी होकर कन्नौज में आकर शासन करने लग गया हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन है जो शशांक को क्या करना चाह रहा है, मारना चाह रहा है, शशांक को समाप्त करना चाह रहा है। बहन भी है जो जंगल में चली गई है राज्यश्री, तो अब ये क्या करता है, यहाँ पर असम, क्या नाम है असम, और असम का तत्कालीन नाम था कामरूप, क्या नाम था कामरूप, तो कामरूप का शासक है। अब जैसा कि असम इसके पास में पड़ता है, बंगाल के पास में पड़ता है और शशांक से डरा हुआ है असम, असम को डर है कि शशांक है जो उनके ऊपर आक्रमण कर देगा, तो शशांक किसके पास में जाता है, कन्नौज के पास में जाता है, और कन्नौज का राजा कौन है, हर्षवर्धन है। अब ये दोनों जिस प्रकार यहाँ पर मालवा इसके साथ में मिला था, तो वैसे के वैसे असम है किसके साथ में मिल जाता है, कन्नौज के साथ में मिल जाता है, और ये दोनों मिलकर किसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, शशांक के ऊपर आक्रमण कर देता है, और शशांक राज्य को छोड़कर क्या कर देता है, कहीं दूसरे क्षेत्र में भाग जाता है और अब वो राजा नहीं रहता है। तो इस प्रकार से शशांक का बदला लेता है कौन, अपने हर्षवर्धन, और अपनी बहन को वापस एक जो बौद्ध शासक था उसके पास में जाकर राज्यश्री को क्या कर लेता है, वापस लाकर अपने यहाँ पर कन्नौज में साथ में रहने लग जाता है। लेकिन हर्षवर्धन का कोई औलाद बेटा वगैरह नहीं था, तो हर्षवर्धन क्या हो जाता है, थोड़े समय बाद में मृत्यु के बाद में ये शासन, ये जो कन्नौज है वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो इस कन्नौज को लेकर काफी लंबा समय संघर्ष चलता है।
हर्षवर्धन के समय एक हेनसांग नामक आया था, हेनसांग नामक व्यक्ति आया था इसके कन्नौज के दरबार में, और उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था शी यू की। उसमें तत्कालीन समय की जानकारी मिलती है और उसमें बताया है कि इसने कन्नौज सभा का आयोजन किया था और उज्जैन की सभा का आयोजन किया था, जिसमें हर्षवर्धन ने सब कुछ दान में दे देता है और अंत में कपड़े और अपने जो मुख्य जो सेना के भाग है उनको लेकर, मतलब अपनी बहन से उधार में कपड़े मांग के पहन के आ जाता है, यानी सब कुछ दान में दे देता है। तो इसके बारे में ये जानकारी मिलती है। और एक ये यहाँ पर गुजरात का शासक था, यहाँ पर गुजरात क्षेत्र में चालुक्य शासक था, चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय जो नामक शासक था। शब्दों का ध्यान रखना, लिखावट का ध्यान मत रखना। पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य शासक था उसके साथ में युद्ध करता है और यहाँ पर जो नदी है उस नदी के, नर्मदा नदी के किनारे है जो हार जाता है, कौन? हर्षवर्धन है। पुलकेशिन द्वितीय तो जीतता है और हर्षवर्धन क्या करता है? हारता है। इसकी जानकारी भी कौन लिखता है? अपने ये जो हेनसांग है अपने पुस्तक में लिखता है। तो इस प्रकार से इस राजवंश की अपन को जानकारी प्राप्त होती है। वर्धन राजवंश बहुत इंपॉर्टेंट है अपने, इसमें हर्षवर्धन की जानकारी बहुत ज्यादा लंबा थोड़ा पढ़ने की याद नहीं है, रखने की जरूरत नहीं है। कौन से शासन की जानकारी दे रखी है? हर्षवर्धन की जानकारी दे रखी है। फिर इसके बाद में और अन्य कोई जानकारी नहीं है, वर्धन वंश के बारे में इतना ही दे रखा है। उसके बाद में तत्कालीन समय के अन्य छोटे छोटे राजवंश की जानकारी दे रखी है आपको। तो मुख्य रूप से एक तो अपने चोल प्रशासन की इसके ध्यान रखना, नहीं इसका अपने गुप्त साम्राज्य का और मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का ध्यान रखना, बाकी प्रशासन में किसी का इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में आते हैं, यहाँ पर मैंने बताया जो कन्नौज था, कन्नौज की गद्दी हर्षवर्धन के बाद में क्या हो गई? खाली हो गई, सीट खाली हो गई। तो यहाँ पर भारत के अन्य राजवंश थे जिसमें यहाँ तो था चालुक्य, यहाँ पर अपने दक्षिण में राष्ट्रकूट और इस तरफ था पाल राजवंश। अब ये तीनों राजवंश जब को खाली सत्ता होती है, और कन्नौज उसमें भारत का मुख्य स्थान था, कन्नौज क्या था? मुख्य स्थान था। तो अब ये तीनों क्या करेंगे? इसको प्राप्त करने के लिए तीनों के बीच में संघर्ष होगा जिसमें त्रिगुट संघर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसमें पाल, राष्ट्रकूट और चालुक्य। अब इसमें कभी पाल जीतेंगे, फिर पाल को ये अपने चालुक्य हरा देंगे। इसके अलावा एक अपने राष्ट्रकूटों का इतना रोल नहीं होता है, गुर्जर प्रतिहार जो अपने राजस्थान का राजवंश है, राष्ट्रकूटों का इतना रोल नहीं होता है इसमें, गुर्जर प्रतिहार इन तीनों के बीच में संघर्ष चलता है। तो पालों को हरा देता है एक बार गुर्जर प्रतिहार, फिर ये चालुक्य आक्रमण करते हैं, फिर इस प्रकार से इनका बहुत लंबा घटनाक्रम चलता है इस प्रकार से। तो इसमें पाल राजवंश है, पाल राजवंश के बारे में आपने दे रखा है, इसकी स्थापना गोपाल करता है। इसके बाद में इसकी ज्यादा जानकारी अपने रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा धर्मपाल नामक व्यक्ति है जो एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें इतनी बड़ी बात कोई नहीं दे रखी है। और इसके अलावा उस समय के जो त्रिकोणीय संघर्ष में भी इसकी भागीदारी रहती है, यही पाल वंश की महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद में आता है राष्ट्रकूट राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश का जो स्थापक करता था उसका नाम था दंती दुर्ग, और ये अपने प्रतिहारों से संघर्ष करते हैं, ये मुख्य बात है। फिर आता है अपने गुर्जर प्रतिहार राजवंश, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना अपने नागभट करता है, नागभट प्रथम, जो अपने राजस्थान से संबंध रखते हैं, और अंत में ये कन्नौज को विजय प्राप्त कर लेते हैं और कन्नौज है जो इसी राजवंश से संबंधित में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये अपने राजवंश हो जाएगा। फिर आता है दक्षिण भारत का राजवंश, इसका नाम है सोल राजवंश। सोल राजवंश है दक्षिण भारत का बहुत महत्वपूर्ण राजवंश था, और इसके अंदर दो प्रमुख राजा होते हैं जिसके नाम है, इसकी स्थापना करता है विजयालय। कौन सी स्थापना करता है? विजयालय इसकी स्थापना करता है, और दो प्रमुख राजा होते हैं, एक होता है राजराज प्रथम और एक होता है राजेंद्र प्रथम। दो राजाओं का ध्यान रखना है, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम है इंडोनेशिया, जावा, मलाया, सुमात्रा में अपने सैनिक शक्ति के माध्यम से उसको जीतता है। इसके अलावा आधे जो श्रीलंका है उसको जीत लेता है, और एक मंदिर की स्थापना करता है जिसका नाम था राजराजेश्वर मंदिर है, जो सोल काल में सबसे बहुत महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। उसके बाद में उसका बेटा शासक बनता है जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम है जो कश्मीर, जो श्रीलंका है उसको पूरा जीत लेता है और श्रीलंका के शासक को बंदी बना लेता है। इंडोनेशिया, जावाला, मलाया, सुमात्रा इनको भी पूर्ण रूप से अपने कब्जे में ले लेता है, और चीन के साथ में दूध भेजकर अपने व्यापारिक संबंध स्थापित करता है। इस राजा प्रथम बहुत शक्तिशाली था, और उसके बारे में कहा जाता है कि जब चोल शासक राजा प्रथम के जहाज है जो समुद्र में उतरते थे, तो समुद्र है जो समुद्र का तूफान होता है वो भी अपना रास्ता बदल के उसके साथ में चलने लग जाता है। इस प्रकार की अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कह रखी है, दे रखी है। इसके अलावा उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, उसने जो जिस प्रकार समुद्रगुप्त है जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ जाता है, वैसे के वैसे जो चोल शासक है राजेंद्र प्रथम है वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ जाता है, और जो गंगा नदी है उसको जीत के उसका पानी लेके दक्षिण में आता है, और वहाँ पर गंगेकोंड चोलपुरम में एक तालाब बनवाता है, उसके कारण किनारे पर गंगेकोंड चोल मंदिर का निर्माण करता है और गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण करता है। इस प्रकार से ये दो शक्तिशाली राजा होते हैं सोल वंश में। इसके अलावा सोल वंश की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता में आता है स्थानीय स्वशासन।
यानी यहाँ के गांव होते थे वो स्वयं का शासन स्वयं के द्वारा चलाते थे, पांच पांच सदस्यों की स्वयं समितियां होती थी और वो पूरे गांव के शासन व्यवस्था को देखते हैं। तत्कालीन समय की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि वर्तमान में जो अपने पंचायती राज व्यवस्था है जिस प्रकार गाँव में पंचायत होती है वैसे के वैसे उस समय चोल काल में ये बहुत महत्वपूर्ण अपने उदाहरण मिलता है। तो इस प्रकार से चोल हो जाएगा। चोल प्रशासन में मैंने बताया दिया ग्राम पंचायत और ये अपने प्रशासनिक विभागों में बांटा गया था, मंडल बांटे गए थे, तो ये बड़ी इसकी मुख्य बातें हैं। इसके अलावा इनका जो नौसेना थी बहुत मजबूत थी, यही बातें दे रखी है। इसके बाद चोलकालीन कला, चोलकालीन में कला में अपन को नटराज वगैरह की मूर्तियां मिलती है। इसके अलावा जो मैंने मंदिर बताया दो, एक राजहरीश का मंदिर और एक गंगेकोंड चोल का मंदिर है जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार से ये चोल राजवंश अपने हो जाएगा। और इसके बाद में चोलकालीन समाज, तो समाज है व्यवस्थित रूप से था जिसमें एक दो महत्वपूर्ण बातें थी, एक तो दास वहाँ पर दास प्रथा मौजूद थी और एक देवदासी प्रथा यानी महिलाओं को मंदिरों के अंदर दान कर दिया जाता था और वो महिलाएं वहीं पर जीवन अपना बिताती थी भगवान की सेवा में। उनका वैसे शोषण वगैरह खूब ज़्यादा होता था लेकिन वो वहाँ की अपने प्रथा के रूप में थी। वर्तमान में देवदासी प्रथा वगैरह बंद हो चुकी है। तो ये थी, इसके बाद में उसी के पैरेलल में आता है पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश में नरसिंह वर्मन प्रथम वगैरह ये महेंद्र वर्मन वगैरह शासक हुए हैं और इनके अंदर मुख्य रूप से मंदिर बनाने की कला है जो महत्वपूर्ण थी। इनका आपको केवल कलाओं का ध्यान रखना है। उस समय के जो मंदिर थे जिसमें एक तो रथ कला, रथों रथ के रूप में मंदिर बनाए जाते थे, बड़े बड़े मंदिरों को काट कर रथ बनाए दिए जाते थे मामलशैली में, तो ये अपने रथ मंदिर हो जाएंगे। इसके अलावा इनकी जो अन्य मुख्य बात थी जो मंदिर बनाते थे, मंदिर बनाने में एक होता था गर्भगृह जिसमें अपने मूर्ति की स्थापना की जाती थी, उसके ऊपर अपने दीवारें बनाकर अपने मुख्य रूप से किस प्रकार से वो दीवार बनानी जाती है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा क्या बनाया जाता था जो उसके ऊपर सत बनाई जाती थी जिसे क्या कहता था विमान कहा जाता था। ये विमान हो जाएगा अंदर वाला जहाँ अपने मूर्ति स्थापित होता था, गर्भगृह आगे जो अपने बैठने का स्थान होता था उसको पिलरों के माध्यम से ढक दिया जाता था, वो हो जाएगा मंडप जहाँ पर लोग बैठते थे। और इसके बाद में जहाँ मंदिर की जो दीवार होती थी बाहर वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरवाजा बनाया जाता था जिसका नाम था गोपुरम। क्या नाम था? गोपुरम। और उस गोपुरम की क्या विशेषता थी, उसके ऊपर बड़ी बड़ी छोटी छोटी ऐसे बहुत सारी इमारतें बना दी जाती, एक जो दरवाजा होता था दरवाजे के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े अपने सतह बना दी जाती थी जिसके कारण बहुत फेमस है गोपुरम। आगे काल में राजा जब मंदिर तो खूब सारे बन गए तो बड़े बड़े गोपुरम बनाने लग गए, तो ये उनकी विशेषता थी अपने अपने मुख्य रूप से पल्लव राजवंश की। तो ये मुख्य बात हो जाएगी। फिर आता है दक्षिण भारत का एक चालुक्य राजवंश जो गुजरात वाले चालुक्य राजवंश से संबंध रखता है। तो इस प्रकार से ये अपने कल्याणी के चालुक्य वगैरह जो फेमस हुए हैं इस प्रकार से ये अपने मुख्य रूप से आ जाती है। फिर आता है अपने बाह्य आक्रमण जो अपने बाकी इतने इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। मौर्य राजवंश का ध्यान रखना है, गुप्त राजवंश का ध्यान रखना है, हर्षवर्धन की जो हैंसांग वगैरह है, इसके अलावा हर्षवर्धन की पुस्तकें थी तीन, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का, इन पुस्तकों का भी थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद में चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी हो जाएगी। फिर अपने बाह्य आक्रमण में तीन आक्रमण होते हैं, हूण, शक और कुषाण। क्यों आते हैं? क्योंकि मध्य एशिया की ये जो जातियाँ होती है यहाँ पर चीन द्वारा ये प्रताड़ित हो जाती है और परेशान होकर वो क्या करते हैं भारत के क्षेत्रों में आते हैं, तो अलग अलग शाखाएं भारत में आकर स्थापित होती है और उनका भारतीय शासकों से क्या होता है लंबा संघर्ष चलता है और अंत में वो भारत के अंदर समाहित हो जाती है। इस प्रकार से ये मुख्य बातें हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है शक, हूण और कुषाण आए मुख्य रूप से, किस किस समय आए इन बात का तो ध्यान रखना है। मथुरा वगैरह में इसकी स्थापना हुई है शकों की पांच शाखाएं भारत में स्थापित हो जाती है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इनका मुख्य रूप से कहाँ से आए इनका ध्यान रखना और किन से इसकी जानकारी प्राप्त होती है वो थोड़ा ध्यान रख लेना। रुद्रामन के विलेख से अपन को जिसकी जानकारी मिलती है, रुद्रामन है जो अपने शक शासक था जो जूनागढ़ में हुआ है और जिसने अपने जूनागढ़ विलेख में अपनी इसकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपन को प्राप्त होती है। जूनागढ़ विलेख ने भी इसने बताया है, रुद्रदामन ने जूनागढ़ विलेख लिखा है संस्कृत में, उसमें लिखा है कि किस प्रकार से सबसे पहले चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, फिर वह झील टूट गई तो सम्राट अशोक ने उसका निर्माण करवाया, फिर वापस झील टूट गई तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने उसका निर्माण करवाया, वापस झील टूट गई और मैं शक शासक रुद्रदामन ने जो उसका क्या करवा रहा हूँ वापस पुनर्निर्माण करवा रहा हूँ। तो सुदर्शन झील से चार शासकों से संबंध बताता है और खुद की प्रतिष्ठा स्थापित करने की कोशिश करता है। इस प्रकार से ये मुख्य रूप से किसका हो जाएगा? रुद्रदामन का। आप थोड़ा ध्यान रखना, ये हो जाएगा। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण कुषाण शासक जिसका शासक था अपने कनिष्क, वैसे स्थापना था कुडल कैरेट फिशेस करते हैं और विम कैरेट फिशेस दो अपने यहाँ पर शासक होते हैं लेकिन सबसे प्रतापी शासक होता है कनिष्क। कशिदेनेश के समय शासन व्यवस्था बहुत मजबूत हो जाती है और जो रेशम मार्ग था जो व्यापार वाणिज्य का महत्वपूर्ण मार्ग था भारत के उत्तर में से जो चीन से जो व्यापार वाणिज्य होता था उसको रेशम मार्ग कहा जाता था, तो उस रेशम मार्ग को कंट्रोल करके ये कुषाण शासक है जो कनिष्क है क्या करता है शासन व्यवस्था को अपने हाथ में रख लेता है। तो इसके कारण कनिष्क है जो क्या हो जाता है
यहाँ जैसे ही वो रेशम मार्ग पर कंट्रोल स्थापित करता है तो व्यापार वाणिज्य इसका बढ़ जाता है और इसके कारण इसकी आय बढ़ जाती है। तो ये सोने के सिक्के वगैरह जारी करता है जो बहुत ही परिष्कृत प्रकार के सिक्के होते हैं, तो ये अपने उसके व्यापार वाणिज्य की समृद्धता के लिए इसके काल को जाना जाता है। इसके अलावा एक कश्मीर में नगर की स्थापना करता है, कनिष्क पूर्णमानव नगर की स्थापना करता है, इसकी भी अपन को जानकारी मिलती है। इसके अलावा ये पेशावर वगैरह को जीत लेता है मुख्य रूप से, और इसके समय एक बौद्ध संगति का आयोजन होता है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन होता है, इसलिए इसको जाना जाता है। कुंडलवन कश्मीर में इस बौद्ध संगति का आयोजन होता है, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। खूब सारे इसके समय में गांधार जो मूर्तिकला शैली है इसका भी बहुत ज़्यादा विकास होता है, खूब सारी हजारों की संख्या में इनकी मूर्तियाँ बनती है, जो यूनान और भारतीय संस्कृति का मिश्रण था, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। और अंत में आते हैं हूण। हूणों का आक्रमण होता है, वो काफ़ी लंबे समय तक भारत से संघर्ष करते हैं और अंत में भारत में समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार से अपने जो आक्रमण होते हैं वो पूरे होते हैं और ये धीरे धीरे जातियाँ भारत के अंदर समाहित होकर रह जाती है। पहला पार्ट आपके पूरा हो जाता है, मुख्य मुख्य बातें सारी इसमें आ गई है और इनका आप इनको ध्यान रखना है। इसमें आपके एक बार देख लो मुख्य प्रश्नों में अशोक का बारे में, आपको धर्म के बारे में व्यवस्थित रूप से पढ़ना है, कनिष्क का क्या योगदान है उसके बारे में पढ़ना है, सोलकालीन प्रशासन कैसा था इसके बारे में मुख्य रूप से बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके।